सैलरी चैप्टर काफी बड़ा है लेकिन ग्रिप में आ सकता है। ग्रिप में क्या नहीं आ सकता, तो इसका परक्विजिट पार्ट थोड़ा ऐसा है जो ग्रिप में नहीं आता, लेकिन उसके हमारे पास टैक्स म्यूजिक है। यानी मोटा मोटी सैलरी चैप्टर पूरा का पूरा ग्रिप में आ सकता है, यू मस्ट बिलीव इन इट, और दो घंटे में ही आएगा। ठीक है, किसी को अपना ऑडियो ऑन करके सुनना है तो सुनते रहो, कोई इशू नहीं। मैं तो यदि आप अपना ऑडियो ऑन करना चाहो तो टॉपिक को हम लोग कई पार्ट में डिवाइड करेंगे, बेसिक्स, रिटायरमेंट बेनिफिट, अलाउंसेज एंड परक्विजिट, फिर पीएफ, फिर डिडक्शंस। इतने सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक से। तो सैलरी मींस एज पर सेक्शन 15 कोई भी इनकम सैलरी हेड में तभी आएगी जब आपकी इनकम आपके एम्प्लॉयर से आपको मिल रही है। यानी सैलरी का बेसिक फंडा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप तभी माना जाता है व्हेन द पेयर इज हैविंग द पावर टू कंट्रोल एंड सुपरवाइज पे। और जब तक पेयर के पास ये पावर नहीं है कि वो अपने को कंट्रोल कर ले, अपने को सुपरवाइज कर ले, डे टू डे कंट्रोल एंड सुपरवाइज, तब तक ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में नहीं आता, मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप में नहीं आता, और तब तक वो सैलरी नहीं है। पेयर एंड पे के बीच में कई तरह के रिलेशन हो सकते हैं, मास्टर एंड सर्वेंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, प्रिंसिपल एंड एजेंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल रिलेशनशिप जो तुम्हारे मेरे बीच में है, तुम अपनी मर्जी के मालिक, मैं अपनी मर्जी के मालिक। कल तुम बोल सकते हो मुंद्रा से नहीं पढ़ेगा, मैं भी बोल सकता हूं मैं तुमको नहीं पढ़ाऊंगा, नीदर यू आर बाउंडेड नॉर मी बाउंडेड। सो बोथ आर इमोशनल, इमोशन हटा दो तो तुम्हारे मेरे बीच में प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल रिलेशनशिप है। ठीक है ना, तो ऐसे में सैलरी कभी बनता ही नहीं हमारे बीच में। एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप की क्राइटेरिया बस एक ही है, द पेयर इज हैविंग द पावर, वो उस पावर को यूज करता है कि नहीं करता वो उसका उसका मन है, बट ही हैज द पावर टू कंट्रोल एंड सुपरवाइज पे ऑन डे टू डे बेसिस। आज ये करिए, कल ये करिए, आज छोड़िए, ये करिए, जब ये कहने का पावर है देन इट इज कॉल्ड सैलरी। ये पावर है कि नहीं है ये तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा, या फिर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट डिसाइड करेगा। मैं पांडे जी के पास ये पावर रखता हूँ कि भैया पांडे जी आप ये काम आज कर दीजिए और कल आप काम आप ये कर दीजिए। पावर आप कैसे यूज करते हो अलग बात है, बट लीगली आई हैव द पावर। सो वी हैव एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। क्लियर। रिटेनरशिप भी एक कॉन्सेप्ट आता है जिसपे कई बार डिबेट हो जाता है कि ये सैलरी है कि नहीं है, तो आप लोग को क्लियर कर दूं, रिटेनरशिप एक प्रोफेशनल को मिलता है फ्रॉम इट्स क्लाइंट, बस उसको रिटेनरशिप इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो क्लाइंट के यहां रिटेन्ड है, उसको क्लाइंट का सारा काम संभालना है, जिम्मेवारी उसकी है, लेकिन क्लाइंट के पास कोई पावर नहीं है अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को गाइड करने का या डायरेक्ट करने का कि आज ये काम करिए कल ये काम करिए। ओवरऑल डायरेक्शन तो दे गई भाई कि मेरा जीएसटी रिटर्न टाइमली भर जाना चाहिए, मेरे सारे आरओसी के कॉम्प्लायंस हो जाने चाहिए, मेरा सारा बैलेंस शीट समय पे क्वार्टरली रेडी हो जाना चाहिए, लेकिन डे टू डे गाइडेंस नहीं दे सकता, इसलिए रिटेनरशिप इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एग्जामिनेशन की कॉपी जब चेक करते हैं तो कहां जाएगा, तो भैया यदि स्कूल का टीचर स्कूल से वो पैसे लेके एग्जाम की कॉपी चेक कर रहा है तो वो सैलरी है, अदरवाइज एग्जामिनेशन कॉपी चेक करने का जो ऑनोरेरियम मिलता है वो सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। हाई कोर्ट के जजेस एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो पेमेंट मिलती है वो सैलरी है कि नहीं है, तो आंसर इज सैलरी है। सर उसमें डे टू डे गाइडेंस चलता है, यस चलता है। उनको बोल सकते हैं आज आप डिवोर्स कोर्ट में बैठेंगे और आज आप क्रिमिनल कोर्ट में बैठेंगे, आज आप सिविल कोर्ट में बैठेंगे, आज आप बंसाल कोर्ट में बैठेंगे, ये बोला जा सकता है डे टू डे बेसिस पे। बोला उनको बोला सकता है दिल्ली आपको तेरे के सेटल करना कम से कम, ऐसे डे टू डे गाइडेंस जजेस के ऊपर चलता है, इसलिए जजेस की सैलरी सैलरी है। क्वेश्चन आता है कि डायरेक्टर्स भी क्या सैलरी है क्या, तो डायरेक्टर्स दो तरह के होते भैया, होल टाइम डायरेक्टर एंड पार्ट टाइम डायरेक्टर। होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सब कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, उनकी सैलरी सैलरी है। और बात बात ही डायरेक्टर को जो फीस मिलता है दैट इज फॉर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग, और वो सैलरी हेड में नहीं आता। छोटी छोटी बातों से टॉपिक बना हुआ है। सैलरी में कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट हो या नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट हो, पेमेंट यदि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कर रहा है तो भले वो वॉलंटरी पेमेंट भी हो वो सैलरी में ही जाएगा। वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा, तो आंसर इज यस, वो भी टैक्सेबल होगा, लेकिन यदि आपने वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट फंड में सरेंडर कर दिया है तो भैया वो टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि जब आपने पूरा पैसे गवर्नमेंट को दे दिया फिर क्या बचा, एक सिप लेने दे रहा है।
बेसिक कॉन्सेप्ट में बेसिक सैलरी टैक्सेबल है कि नहीं है, तो आंसर इज फुल्ली टैक्सेबल। पे स्केल की बात करिए, पे स्केल क्या है, तो भैया जी पे स्केल इस तरह का डेटा है जो एग्जाम में बहुत पूछता भी है। ये डेटा इंडिकेट कर रहा है कि जब आप कंपनी ज्वाइन करेंगे तब आपकी सैलरी है 10,000, अब हर महीने इंक्रीमेंट होगा 4,000, हर साल इंक्रीमेंट होगा 4,000, और ये इंक्रीमेंट चलता रहेगा जब तक आप 18 पे नहीं पहुंच जाए, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा 5,000, और ये चलता रहेगा जब तक आपकी सैलरी 38 नहीं हो जाए, यानी फर्स्ट ईयर आपकी सैलरी होगी 10,000 पर मंथ, सेकेंड ईयर सैलरी होगी 14,000 पर मंथ, थर्ड ईयर सैलरी होगी 14,000 पर मंथ सॉरी 18,000 पर मंथ, फोर्थ ईयर सैलरी हो जाएगी 23,000। और ये इंक्रीमेंट कब होगा, योर डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 12 महीना। यदि आपकी ज्वाइनिंग 8/7/22 को है तो 8/7/22 को 10,000, 8/7/23 को 14,000, 8/7/24 को 18,000 और 8/7/25 को 33,000। बात क्लियर, सब याद ही था। डेयरनेस अलावेंस का क्या ट्रीटमेंट, फुल्ली टैक्सेबल। बोनस फुल्ली टैक्सेबल, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल हो या वॉलंट्री हो, लेकिन वॉलंट्री बोनस इज टैक्सेबल एज परक्विजिट, इसलिए वो आरएफए की काउंटिंग में नहीं आता। कमीशन ऑन टर्नओवर हो या कमीशन ऑन प्रॉफिट हो या फिक्स्ड कमीशन हो, तीनों ही कमीशन है और तीनों ही कमीशन फुल्ली टैक्सेबल होते। लेकिन यदि फिक्स्ड कमीशन है या कमीशन ऑन प्रॉफिट है तो वो ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट के कैलकुलेशन में नहीं आता, बस वही डिफरेंस है, अदरवाइज कमीशन हमेशा फुल्ली टैक्सेबल। डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है या नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है, दोनों ही केस में डीए फुल्ली टैक्सेबल है, लेकिन यदि डीए नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है तो फिर वो पीएफ के कैलकुलेशन में, एचआरए के कैलकुलेशन में या ग्रेच्युटी लीव इनकैशमेंट इन सब के कैलकुलेशन में नहीं आता, वो वहां पर डिफरेंस है, यहां पर तो फुल्ली टैक्सेबल है। तो आपने कर लिया बेसिक फुल्ली टैक्सेबल, डीए फुल्ली टैक्सेबल, कमीशन फुल्ली टैक्सेबल, बोनस फुल्ली टैक्सेबल, एन्यूटी, एन्यूटी इज अ टाइप ऑफ एनुअल अमाउंट, दिस इज आल्सो फुल्ली टैक्सेबल। ओके, रिटायरमेंट बेनिफिट में आते हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट में सबसे पहले स्टार्ट करिए ग्रेच्युटी से। ग्रेच्युटी दो पार्ट में डिवाइड करिए या तीन पार्ट में डिवाइड करिए, ग्रेच्युटी इन कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस फुल्ली टैक्सेबल, भले गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो फुल्ली टैक्सेबल, नोट इट, जहां मैं पूछेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉई इन कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस फुल्ली टैक्सेबल। ग्रेच्युटी ऑन डेथ नॉन टैक्सेबल, चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो नॉन टैक्सेबल। ग्रेच्युटी ऑन रिटायरमेंट दो पार्ट, गवर्नमेंट एम्प्लॉई नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई, गवर्नमेंट एम्प्लॉई जवाई राजा यहां पर रिटायरमेंट वाला नॉन टैक्सेबल, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हुआ तो फिर दो पार्ट, कवर्ड बाई पोद्रा नॉट कवर्ड बाई पोद्रा। If you are covered by POGRA, minimum of 3 is exempted under section 1010. Number 1, actual gratuity. Number 2, statutory amount 20 lakh. And number 3, 15 by 26 into completed year of service into salary last drawn. यहाँ पे सैलरी मतलब बेसिक प्लस डीए फॉर्मिन, बेसिक प्लस डीए बोला हुआ है यहाँ पे, फॉर्मिन नॉट फॉर्मिन कुछ नहीं बोला हुआ है, प्रैक्टिकली हम लोग फॉर्मिन वाला ही लेते हैं, बेसिक प्लस डीए लास्ट ड्रॉन। यहाँ पे कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में एनी फ्रैक्शन इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ इज टेकन एज 1 ईयर। टू इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी नोटेड, यदि आप डेली रेटेड इंप्लॉई है तो यहाँ पे सैलरी निकालते समय हम लोग लेते हैं लास्ट 3 मंथ्स एवरेज सैलरी एक्सक्लूडिंग ओवरटाइम, ठीक है, यदि आप पीस रेटेड एम्प्लॉई है। दूसरा, यदि यदि आप सीजनल एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉई है तो 15/26 की जगह 7/26 लग जाएगा, और कोई अंतर नहीं है। नाउ वी आर कमिंग टू नॉट कवर्ड बाय पोगरा, एक सेकेंड, ना ऑनलाइन में जो भी बच्चे बैठे हैं ध्यान रखना, आज की क्लास सुनने की नहीं है, लास्ट क्लास मैंने बोल दिया था कि द क्लास का पर्पज है कॉन्फिडेंस बूस्ट करना, यदि आप साथ साथ बोल पा रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और यदि आप सिर्फ सुन रहे हो लगता है हाँ याद है याद है याद है, तो भाई कुछ नहीं होगा, साथ साथ बोलिए, ताल से ताल मिला। नॉट कवर्ड बाय पोगरा, देन मिनिमम ऑफ 3 इज एग्जेम्प्टेड, एक्चुअल ग्रेच्युटी, स्टैट्यूटरी अमाउंट 20 लाख माइनस अर्लियर डिडक्शन स्लिप। नंबर 3, हाफ इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू एवरेज सैलरी। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में कोई भी फ्रैक्शन हो इग्नोर कर दो, 12 साल 11 महीना मतलब 12 साल, और एवरेज सैलरी मतलब बेसिक डीए फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर बीन लास्ट 10 मंथ्स एवरेज प्रिसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। बोला नहीं आप लोग का फ्लो नहीं आया, प्रिसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायर, खत्म। यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता आप सीजनल एस्टेब्लिशमेंट हो या पीस रेटेड हो, यहां पे वही है लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी।
चलो चलो आगे बढ़े। फिर हमने एक दो छोटी छोटी बातें यहाँ पे की थी कि यदि आप मैनेजिंग डायरेक्टर है और 5 साल बाद आपका रिटायरिंग बाय रोटेशन आता है, रिटायरिंग बाय रोटेशन, तो इसको हम लोग कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस ही मानेंगे। बात क्लियर? यदि आप एक कंपनी में काम कर रहे हो और वो कंपनी के आप फैक्ट्री के एम्प्लॉई हो, लेकिन कंपनी को किसी ने टेक ओवर कर लिया, यानी पहले आपका बॉस था ए लिमिटेड, अब आपका बॉस हो गया बी लिमिटेड, लेकिन आप तो वहीं के वही हो, वही ब्लू यूनिफॉर्म पहनकर, हम तो कल भी आए थे आज भी आए थे, पहले कंपनी का बोर्ड लगा हुआ था ए लिमिटेड, आज कंपनी का बोर्ड लगा हुआ है बी लिमिटेड, तो हमारा तो कभी रिटायरमेंट भैया हुआ ही नहीं। लेकिन लॉ बोलता है कि यदि कंपनी का ऊपर टेक ओवर हो रहा है तो आप ऑन पेपर ए लिमिटेड से रिटायर हो गए और बी लिमिटेड में रीअपॉइंट हुए हैं, इसलिए ए लिमिटेड आपको ग्रेच्युटी देगा और ए लिमिटेड जो ग्रेच्युटी देगा वो रिटायरमेंट वाली ग्रेच्युटी मानी जाएगी, जबकि आप तो जीवन में रिटायर हुए ही नहीं है, लेकिन लॉ ऐसी चलेगा। रिटायरमेंट बेनिफिट से इस साल कुछ आएगा तो आएगा लीव इनकैशमेंट, क्योंकि अमेंडमेंट हुआ है, पूछो वहीं से भैया। लीव इनकैशमेंट को भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लीव इनकैशमेंट इन कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस फुल्ली टैक्सेबल, कोई जवाहिराजा नहीं है यहाँ पे, फुल्ली टैक्सेबल। लीव इनकैशमेंट ऑन डेथ, मरने के बाद सब जवाहिराजा है, नॉन टैक्सेबल। और लीव इनकैशमेंट ऑन रिटायरमेंट, 2 पार्ट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10-10AA और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय मिनिमम ऑफ 4 इज एग्जेम्प्टेड। एक्चुअल लीव इन कैशमेंट स्टैट्यूटरी अमाउंट 25 लाख माइनस अर्लियर डिडक्शंस क्लेम्ड। नंबर 3, 10 मंथ इनटू एवरेज सैलरी एंड लास्ट 1 मंथ मैक्सिमम फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस माइनस लीव अवेल्ड इनटू एवरेज। यहाँ पे कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इग्नोर्स फ्रैक्शन, एवरेज सैलरी मतलब बेसिक डीए फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन एज ए फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर बीन लास्ट 10 मंथ्स एवरेज प्रिसीडिंग द रिटायरमेंट, प्रिसीडिंग द रिटायरमेंट, प्रिसीडिंग द रिटायरमेंट, लीगल टर्म इज प्रिसीडिंग द रिटायरमेंट, यू कैन इंटरप्रेट प्रिसीडिंग द डे ऑफ रिटायरमेंट बोल सकते हो, लेकिन लीगल है प्रिसीडिंग द रिटायरमेंट। यदि रात के 5 बजे जैसे अभी थक गया यार इस जीवन से रिटायर कर रहा हूं तो आज का दिन भी काउंट होगा, और यदि कल सुबह जीवन से थक गया आज रिटायर मार रहा हूं तो फिर जिस दिन रिटायर हुआ काउंट ही नहीं होता क्योंकि आप तो सुबह सुबह रिटायर किए हो, इसलिए राइट टर्म इज प्रिसीडिंग द रिटायरमेंट, लीगली यू कैन से मतलब ऑफिशियली बोल सकते प्रिसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट। इसलिए जब 16 तारीख होता है तब भी मैं 15 दिन ही लेता हूँ और जब 15 तारीख को रिटायर करता है तब भी मैं 15 दिन ही लेता हूँ, ठीक है ओके। उसके बाद हमने किया यहाँ पे सैलरी मतलब बता दिया, यहाँ पे सब बता दिया, चलो 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 चलो। 1 मंथ मैक्सिमम है, यदि बॉस ने आपको 20 दिन की लीव दिया, बॉस आपको 20 दिन की लीव ही देता है सपोज, तो फिर वहाँ पे 20 डेज ही लेना पड़ेगा, हर में 1 मंथ मत लगा देना। हाँ यदि बॉस आपको 1.5 महीने की लीव देता है तो आप 1 मंथ लेना। बात क्लियर? स्माइल दो दादा, स्माइल बहुत जरूरी है, इतना लंबा टहना आप ऐसे सुस्त होकर पढ़ रहे हो, हमसे पूछो हम कहाँ से आए हैं अभी, फिर भी देखो चेहरा देखो, कभी कभी छोटी स्माइल भी जरूरी होती है। अरे डॉली ओझा सर स्पीड बहुत फास्ट हो गया है, ओके डॉली जी, आई रिस्पेक्ट योर कमेंट, ध्यान देता हूँ। हाँ हाँ अरे यार वो तो लाइव देख रही है ना यार, तुम बैठ के उसको प्रवचन मत दे, पेन से हाथ में पेन होगा तो स्पीड धीरे हो जाएगी। 10-10A पेंशन को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, नंबर 1 अनकम्यूटेड पेंशन, अनदर 2 कम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन इज फुल्ली टैक्सेबल चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो। कम्यूटेड पेंशन होने पे 2 बातें आ सकती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अलग ट्रीटमेंट है, नॉन गवर्नमेंट के लिए अलग ट्रीटमेंट है। कम्यूटेड पेंशन मतलब लमसम वाला पेंशन, लमसम पेंशन जवाई राजा को मिलेगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा तो नॉन टैक्सेबल, और यदि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा तो डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता है, whether you are receiving the gratuity or not receiving the gratuity. If you are receiving the gratuity, तो आपको बहुत पैसा मिल रहा है, बहुत पैसा मिल रहा है तो deductions कम लीजिए।
ग्रेच्युटी भी ले रहे हो, कम्यूटेड पेंशन भी ले रहे हो, बहुत पैसा आ गया है, डिडक्शंस कम लीजिए, 1/3 ऑफ टोटल 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 पेंशन कम्यूटेड। एंड इफ यू आर नॉट रिसीविंग ग्रेच्युटी तो भैया पैसा कम मिला, डिडक्शन ज्यादा ले लो, क्या हो गया, हाफ ऑफ टोटल पेंशन कम्यूटेड शैल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, चलो आगे बढ़े। पेंशन में अपने को एक बात यहां पे पंच कर देनी चाहिए, दो ग्रेच्युटी में हमने तीन पार्ट बनाया, ऑन रिटायरमेंट, ऑन डेथ। पेंशन में हमने नहीं बनाया, ऑन रिटायरमेंट, ऑन डेथ। ऑन रिटायरमेंट मिला तब तो हमने बता दिया, ऑन डेथ मिला तो ऑन डेथ मिलेगा फैमिली को, और यदि फैमिली को पेंशन मिला तो उसको बोलते हैं फैमिली पेंशन, उसके लिए आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाना पड़ेगा, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बोलते हैं फैमिली पेंशन शैल बी टैक्सेबल अंडर दी हेड आईफॉस आफ्टर ए स्टैंडर्ड डिडक्शंस बीन लोअर ऑफ द टू, 1/3 ऑफ द पेंशन ऑफ 15,000 व्हिच इज लोअर। याद है, क्लियर है? ओके, पेंशन के बाद आइए आरसी 10-10B, भाग यहां से, आप अपने एम्प्लॉय को भगा रहे हो 10-10B, और इसमें लॉ बोलता है मिनिमम ऑफ 3 शैल बी एग्जेम्प्टेड। एक्चुअल साथ आओ, एक्चुअल आरसी, एक्चुअल आरसी स्टैट्यूटरी अमाउंट 5 लाख एंड अमाउंट एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का अमाउंट आपको एग्जाम्स में 99% दिया रहेगा, आज तक कोई एग्जाम में नहीं आया कि आइडिया का अमाउंट निकालना पड़ेगा। लेकिन सपोज बदनसीबी से आ गया तो जो कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट का होता है ना वैसे निकालते हैं 15/26 × ……। ठीक है, लेकिन 99 आज तक कभी आया नहीं कि आइडिया का अमाउंट निकालना पड़ जाए। नेक्स्ट आगे बढ़िए, फिर हम लोग आ जाए रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन के बाद VRC सेक्शन 10-10C। ये बोलता है कि VRC का डिडक्शन आपको मिल जाएगा बीन मिनिमम ऑफ 2 एक्चुअल VRC और स्टैट्यूटरी अमाउंट 5 लाख। लेकिन VRC का डिडक्शन लेने के पहले आपको ये कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। क्या क्या कंडीशन? आपका एम्प्लॉयर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयर होना चाहिए। स्पेसिफाइड एम्प्लॉयर में सब आते हैं, इंडिविजुअल, HUF, फर्म, AOP, BOI ये सब नहीं आते, बात ही सब आते हैं, कंपनी आती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी आती है, गवर्नमेंट आता है, ट्रस्ट आता है, सब आते हैं, लेकिन इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, फर्म ये नहीं आते। चलो दूसरी कंडीशन क्या है कि आपने CBDT की गाइडलाइंस फुलफिल कर दी है। क्या गाइडलाइंस? 5 गाइडलाइंस है। नंबर 1, द VRC स्कीम इज एप्लीकेबल टू ऑल एम्प्लॉयज। ऑब्जेक्ट इज टू रिड्यूस नंबर ऑफ वर्कर, रिटायर्ड एम्प्लॉयज नॉट अपॉइंटेड इन सिस्टर कंसर्न, वैकेंसी कॉज इज नॉट फिल्ड अप एंड द कॉम्पेंसेशन कैन नॉट एक्सीड 3 months सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और रिमेनिंग 10 years सैलरी विच एवर इज लेस। फिर से बोलिए सर, बहुत जल्दी जा रहे हैं। गाइडलाइंस आर 5। नंबर 1, द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस स्कीम इज टू रिड्यूस नंबर ऑफ वर्कर, रिटायर्ड employees not appointed in sister concern, vacancy clause is not filled up and the scheme must be applicable to all employees and last compensation cannot exceed 3 months salary for each completed year of service or remaining 10 years salary whichever is lower। एक आपने relief पढ़ा होगा 89(1) relief, पूरी एक class पढ़ाया तो पढ़ाई होगा। रिलीफ में ऐसा बोला हुआ है कि 10-10C और 89(1) एक साथ नहीं आ सकता, दे कैन नॉट बी म्यूचुअली, दे कैन नॉट बी गिवन टुगेदर, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यदि आप 89(1) क्लेम कर रहे हो तो आपको 10-10C नहीं मिलेगा, और यदि आप 10-10C क्लेम कर रहे हो तो आपको 89(1) नहीं मिलेगा। साथ में हो, आगे बढ़े भैया जी। इसी के साथ अपना रिटायरमेंट बेनिफिट खत्म। अब हम लोग आ रहे हैं नए टॉपिक में, टॉपिक का नाम है अलाउंसेस। मैं इसको थोड़ा लिख के करता हूँ ताकि मेरी स्पीड कंट्रोल हो, लेकिन 2 घंटे में सैलरी बोलना है तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा। डॉली यदि तू घर पे पढ़ के आई होती तो मेरी स्पीड बड़ी प्यारी है। नहीं, चल ठीक है, कोई बात नहीं। अलाउंसेस में हम लोग इसको कई सारे पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला लेते हैं जनरल अलाउंस, फिर लेते हैं 10-13A, फिर लेते हैं 10-14(1), 10-13A यहां डाल देते हैं, फिर लेते हैं 10-14(1), फिर लेते हैं 10-14(2), फिर लेते हैं टैक्सेबल अलाउंस,
फिर लेते हैं एग्जेम्प्टेड अलाउंस, एग्जेम्प्टेड अलाउंस। पहले लेते हैं जनरल अलाउंस। जनरल अलाउंस में मैंने एक आपको बता दिया, डेयरनेस अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल, कोई फर्क नहीं पड़ता आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट नॉट फॉर्मिंग पार्ट, डीए फुल्ली टैक्सेबल। डीए को प्यार से डीपी भी कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलाउंस भी कहते हैं, इन्फ्लेशन अलाउंस भी कहते हैं। नाम पे मत जाना, सब एक ही है। डेयरनेस अलाउंस, डेयरनेस पे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलाउंस, इन्फ्लेशन अलाउंस। दूसरा है एचआरए, सेक्शन है 10-13A, याद कराया था 13 आसियाना, 13 आसियाना। तो 13 आसियाना ये कहता है कि यदि आपको एचआरए मिलता है तो मिनिमम ऑफ द 3 शैल बी एग्जेम्प्टेड। एक्चुअल अलाउंस 40% ऑफ 50% ऑफ सैलरी, रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। यहाँ पे सैलरी मतलब बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। जब जब एचआरए मिला तब तब का सैलरी लेने हैं, यानी यदि आपको एचआरए 1-7 को मिला तो 9 महीने का सैलरी लेना है, 1-10 को मिला तो 6 महीने का सैलरी लेना है। 40% इन केस ऑफ नॉन मेट्रो सिटी, 50% इन केस ऑफ मेट्रो सिटी। आप कहां रहते हो यह इंपॉर्टेंट है और आप कहां काम करते हो यह इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी मैं हावड़ा में रहता हूं, कैलकटा में काम करता हूं, तो मेरे लिए होगा 40% ऑफ सैलरी। क्लियर? ओके। रेंट आप किसी को भी दे सकते हो, अपने पप्पा को भी यदि आप रेंट दे रहे हो तो यू आर एलिजिबल फॉर 10-13A। आगे बढ़े एचआरए के बाद हम लोग आते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस इज फुल्ली टैक्स, यहां पे फुल्ली टैक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंटरटेनमेंट अलाउंस हमेशा फुल्ली टैक्सेबल होगा अलाउंस टॉपिक में। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो आपको नीचे जाके पूरा सैलरी ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी के बाद सेक्शन 16 में 3 मिनिमम ऑफ द 3 का डिडक्शन मिलता है। कौन कौन से मिनिमम ऑफ द 3? एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस 20% ऑफ सैलरी और ₹5,000 पर एनम। वापस से बोलिए, नंबर 1 एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस 5,000 पर एनम और 20% ऑफ बेसिक सैलरी, इट्स द आपको डिडक्शन मिलेगा। अब आ जाइए 10-14-1 में। 10-14-1 में कोई 6 अलाउंसेस की बात हो रही है, 1-4-5-6 अलाउंस की बात हो रही है। और ये अलाउंस में एक ही नियम है, जो तो खर्चा तो एग्जेम्प्टेड, जितना खर्चा हुआ है उतना एग्जेम्प्टेड ले लो। और इसलिए मैंने एक कोड बनाया है, आई एम अ प्रोफेशनल, आई एम अ प्रोफेशनल, आई नीड असिस्टेंस, आई डेली वेयर द यूनिफॉर्म, यूज कन्वेंस एंड गो फॉर अ ट्रेवल। आई एम अ प्रोफेशनल यानी प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस। I need assistance, assistant allowance. I daily wear uniform, daily allowance. I wear uniform, uniform allowance. Use convince allowance. And go for a travel, travel allowance. यहीं पे वो CDTT बैठा है, देखो यहीं पे वो CDTT बैठा है, CDT और ट्रांसपोर्ट आपको वहां पे मिलेगा। ये CDTT याद है ना, 115 BAC में बताया था, ये वही है। तो 10-14-1 कहता है इन 6 अलाउंसेज में जितना खर्चा हुआ उतना एग्जेम्प्टेड, और सब में कुछ नहीं बोला तो हम लोग क्या मानते हैं, सारा का सारा खर्चा हुआ। आई होप मैं कंट्रोल्ड हो जाए पहले से थोड़ा। डॉली, अरे डॉली लगी हुई कॉन्स्टेंट, नाइस। ओके, अब आइए 10-14-2 में। 10-14-2 में भी बहुत सारे अलाउंसेज है, इसको 2 से इसलिए मैं याद करा देता हूं क्योंकि ये दो बच्चों वाला अलाउंस है। दो बच्चों वाला अलाउंस तो सबको याद है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन होस्टल अलाउंस, ये तुम्हारा फेवरेट ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और ये तुम्हारा फेवरेट एयर होस्टेस अलाउंस जिसको आप लोग ट्रक ड्राइवर अलाउंस बोलते हो, हिली एरिया अलाउंस, बॉर्डर एरिया अलाउंस एंड ट्राइबल एरिया अलाउंस। इतना याद नहीं होता तो इन 3 को हटा दो।
चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में आपको डिडक्शंस मिलेगा फिक्स 100 पर मंथ पर चाइल्ड टू द मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। टाबरे की एज मध्य हो, टाबरा भले ही 8 साल का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, डिडक्शंस मिलेगा। टाबरा चाहे 25 साल का हो तब भी डिडक्शंस मिलेगा। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस में 300 × 2 300 पर मंथ पर चाइल्ड टू द मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। टाबरा मे बी एडॉप्टेड चाइल्ड, इट कैन नॉट बी इललेजिटिमेट चाइल्ड, ठीक है, बस एडॉप्टेड चाइल्ड अलाउड है, ग्रैंड चाइल्ड नॉट अलाउड। ट्रांसपोर्ट अलाउंस में डिडक्शंस मिलता है हैंडीकैप को, पहले मेन काम की बात बोलो दादा, हैंडीकैप को मिलता है और डिडक्शंस मिलता है 3200 रुपये पर मंथ का। हैंडीकैप को 3200 रुपये पर मंथ का डिडक्शंस मिलता है। ट्रक ड्राइवर अलाउंस में डिडक्शंस मिलता है ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज को 70% ऑफ अलाउंस और 10,000 विच एवर इज लोअर। यस, चलो आगे बढ़े। हिली एरिया अलाउंस मतलब पहाड़ पे पहाड़ 800 रुपये अलाउंस। बॉर्डर एरिया अलाउंस मतलब देखो बॉर्डर नजर आ रहा है 1300 अलाउंस। और ट्राइबल मतलब 200 पर मंथ अलाउड, ठीक है, सबको याद, यहां तक याद। नेहा वेटिंग फॉर योर रिमार्क, इतना चुपचाप मत बैठो, आंसर्स दो। तो हमने क्या कर लिया, 10-14-2 कर लिया, 10-14-1 कर लिया। आगे बढ़ते, उसके बाद हम लोग आ जाते किसमें, एग्जम्प्टेड अलाउंस। एग्जम्प्टेड अलाउंस में सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल, एक ही सेक्शन है 10-7। दो अलाउंस में कोई जवाई राजा कॉन्सेप्ट नहीं है, अलाउंस सबके हाथ में टैक्सेबल है। खाली 10-7 एक सेक्शन है जिसको हमने तोड़ दिया, सात समंदर पार। तो यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो और आप सात समंदर पार काम करते हो आउटसाइड इंडिया एंड यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, ये हमने वहां पे बताया था आरएस में, तो आपके सारे अलाउंस सारे परक्विजिट एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। तो ये अलाउंस को भी एग्जेम्प्ट करता है, डियरनेस अलाउंस को भी एग्जेम्प्ट कर देगा। ऑल अलाउंस ऑल परक्विजिट शैल बी एग्जेम्प्टेड। जिसके हाथ में, यू आर गवर्नमेंट एम्प्लॉई वर्किंग आउटसाइड इंडिया सिटीजन ऑफ इंडिया, टैक्सेबल अलाउंस। बाबू इसके अलावा जितने भी अलाउंस है ना सब टैक्सेबल है, रेस्ट ऑफ ऑल आर टैक्सेबल, ऑल द रेस्ट अलाउंस आर टैक्सेबल। बस अलाउंस में एक बात ध्यान रखना, नहीं दो बात ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, दो बात ध्यान रखना। नेहा के पास मेरी अभी तक आवाज ही नहीं पहुंच रही है। हर्ष, हाँ 10,000 पर मंथ है, मैंने लिखा नहीं क्या, 70% ऑफ द अलाउंस और 10,000 पर मंथ विच अब इज लोअर। चलो अलाउंस में दो खास बात ध्यान रखना। पहली बात, अलाउंस के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप डियरनेस अलाउंस तो डियरनेस पे बोलेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप हाउस रेंट अलाउंस को होम रेंट अलाउंस बोलेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को चिल्ड्रन ट्यूशन अलाउंस बोलेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस को चिल्ड्रन केयर टेकिंग अलाउंस बोलेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अलाउंस में नाम नहीं देखा जाता, पर्पज देखा जाता है। और दूसरा, कोई भी अलाउंस यदि आप ऑफिस पर्पज में यूज कर दिए तो जितना ऑफिस पर्पज के लिए यूज हो गया वो आपका एग्जेम्प्ट है। अलाउंस पर्सनल पर्पज में यूज हो रहा है तभी टैक्सेबिलिटी की बात आ रही है। इफ द अलाउंस इज यूज फॉर ऑफिस पर्पज तो भले वो कार अलाउंस ही क्यों ना हो उतना आपको एग्जेम्प्शन मिलेगा जितना आप ऑफिस पर्पज में यूज कर रहे हो। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, अलाउंस के बाद परक्विजिट की। मुझे पढ़ाते हुए अभी हार्डली कोई 45 मिनट हुए हैं और मैं सैलरी के परक्विजिट पार्ट में हूं। जो जो मेरे साथ साथ बोल रहे थे आर हैप्पी, जो सुन रहे थे दे कैन नॉट बी हैप्पी। सही है, सही जा रहा है, और परक्विजिट बात है, झूठा मत बोलना, सच्ची सच्ची बोलना, क्योंकि बहुतों का करियर बनाएगा ये क्लास और बहुतों को डुबा देगा। सही जा रहा है तो बन जाएगा, नहीं तो टाइम बर्बाद। परक्विजिट की बात करें, परक्विजिट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एग्जेम्प्टेड परक्विजिट, टैक्सेबल परक्विजिट। मैं इससे कोई किताब विताब यूज नहीं कर रहा हूं, ठीक, मैं जब बोल सकता हूं तो तुम भी बोल सकते हो, क्या बड़ी बात है इसमें। एग्जेम्प्टेड परक्विजिट एंड टैक्सेबल परक्विजिट। एग्जेम्प्टेड परक्विजिट में 12-13 पॉइंट दिमाग में रख लो, इसमें क्या है, यदि आपको ऑफिस में फ्री रिफ्रेशमेंट मिलता है एग्जेम्प्टेड, चाहे कितने रुपए का रिफ्रेशमेंट हो एग्जेम्प्टेड।
दारू, अरे वाह, दारू तो छोड़ के, दारू तो छोड़ के, यदि आपको रिफ्रेशमेंट के नाम पे दारू मिल रही है तो इट विल बी टैक्सेबल परचेज। यदि आपको ऑफिस में फ्री खाना मिल रहा है, मील चाहे लंच या डिनर, 50 रुपए पर मील तक एग्जेम्प्टेड है, 50 रुपए से ज्यादा मिल रहा है तो एक्सेस पार्टेज टैक्स। यदि आपको ऑफिस में नहीं देके कूपन दे रहा है, बाहर जाके खा लो, इट इन जॉइंट्स में खा लो, तब भी यदि वो कूपन नॉन ट्रांसफरेबल कूपन है तो 50 रुपीज पर मील तक एग्जेम्प्टेड है, उसके बाद टैक्स। ये तो एक खाने पीने की बात, रोटी। अब आइए कपड़ा। यदि आपको ऑफिस में फ्री यूनिफॉर्म दिया जा रहा है तो इट इज एग्जेम्प्टेड। यदि आपको ऑफिस में मकान दिया जा रहा है, ऑफिस में मतलब एम्प्लॉयर आपको मकान दे रहा है, तो भैया ये टैक्सेबल है। लेकिन यदि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आरएफए मिला तो इट इज एग्जेम्प्टेड। ऑफिशियल ऑफ पार्लियामेंट को यदि रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन मिला तो ये एग्जेम्प्टेड है। साथ में हो, चलो। रोटी कपड़ा मकान के बाद और बेसिक नीड में आए। यदि आपके बॉस आपको बच्चे को एजुकेशन करवा रहे हैं, आपके बच्चे को एजुकेशन करवा रहे हैं, तो भैया 1000 रुपए तक यदि एजुकेशन दिया जा रहा है, 1000 पर मंथ पर चाइल्ड, इरेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो पूरी की पूरी परक्विजिट एग्जेम्प्ट हो जाएगी। लेकिन यदि ये परक्विजिट 1000 पर मंथ पर चाइल्ड से ज्यादा की है तो फिर पूरी की पूरी परक्विजिट टैक्सेबल हो जाएगी। तो एजुकेशन या तो पूरा करियर बनाता है या फिर पूरा करियर बिगाड़ता है, तो देख लेना पूरी की पूरी होगा। पूरी की पूरी मतलब 1000 के नीचे है तो फुल्ली एग्जेम्प्टेड, 1000 के ऊपर है तो फुल्ली टैक्स, इरेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़े। एजुकेशन फैसिलिटी के बाद आए तो उसके बाद आता है टेलीफोन फैसिलिटी। टेलीफोन फैसिलिटी यदि आपको कंपनी दे रही है तो एग्जेम्प्टेड, फुल्ली एग्जेम्प्टेड, भले वो रिम्बर्समेंट नेचर का हो या बॉस ने आपको कुछ भी दिया हो, टेलीफोन इज एग्जेम्प्टेड। टेलीफोन इंक्लूड्स इंटरनेट कनेक्शन, एग्जेम्प्टेड। उसके बात करें तो यदि बॉस आपको क्लब फैसिलिटी देता है, तो यदि वो हेल्थ क्लब है और स्पोर्ट्स क्लब है तो वो एग्जेम्प्टेड है। इसके अलावा और कोई क्लब फैसिलिटी दे रहा है तो टैक्सेबल है। हेल्थ क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, एग्जेम्प्टेड। बॉस आपको और क्या दे सकता है बताओ? टेलीफोन दे दिया, मेडिकल। बॉस यदि आपका मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है तो ये एग्जेम्प्टेड है। ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस इज वेरी पॉपुलर एंड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम इज एग्जेम्प्टेड परक्विजिट। लेकिन यदि बॉस आपको लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहा है तो टैक्सेबल। बॉस यदि आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहा है तो एग्जेम्प्टेड। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम टैक्सेबल। इन सब के बाद ये सब एग्जेम्प्टेड परक्विजिट में हमने पढ़ा। ऐसा बोल सकते हो गिफ्ट 5000 रुपया तक दे तो एग्जेम्प्टेड है, बढ़ाने के लिए सब पॉइंट बोला जा सकता है, लेकिन दरकार नहीं है। अब आप आ जाओ टैक्सेबल परक्विजिट में। सारी चीजें बिल्कुल याद है सर, बहुत आराम से बोल भी पा रहे हैं। नाइस नाइस मीनू। सर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओन बाय एम्प्लॉयर? नो। एजुकेशन फैसिलिटी के लिए एकदम भी जरूरी नहीं है कि एजुकेशन फैसिलिटी इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। बहुत यदि आपको आउटसाइड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में डाले और वहां तक यदि 1000 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड फीस देते तब भी एग्जेम्प्टेड है। अपनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में डाले तब भी वहां पर भी वही कानून लगेगा, 1000 पर मंथ पर चाइल्ड। ठीक है, वहां से सरीना का सपोर्ट आ रहा है। तीसरा 2-3 पॉइंट मैं भी आपको याद दिला दूं। एंटरटेनमेंट फैसिलिटी यदि ऑफिस के अंदर है तो ऑब्वियसली एग्जेम्प्टेड, ऑब्वियसली क्लब रूम तो एग्जेम्प्टेड ही है। ट्रेनिंग फैसिलिटी यदि इंप्लॉय को दिया जा रहा है तो वो भी एग्जेम्प्टेड है। और यदि ऑफिस को इंप्लॉय को पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी दिया जा रहा है, जो कि बहुत पॉपुलर है आज की डेट में, वो एग्जेम्प्टेड परक्विजिट है। चलो परक्विजिट के बाद आते हैं, एग्जेम्प्टेड के बाद आते हैं टैक्सेबल परक्विजिट। और अपने स्टार्ट करें वो जो कि इस साल आएगा 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 आरएफए आएगा। व्हाट इज रेंट फ्री एकोमोडेशन? तो रेंट फ्री एकोमोडेशन को लेके इस साल एक अजीबो गरीब चेंज आया है, तो कर ही लेते हैं इसको। चलो करते हैं। रेंट फ्री एकोमोडेशन का जो पहले का प्रोविजन है वो आपको दिमाग में रखिए कि रेंट फ्री एकोमोडेशन यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है तो लाइसेंस फीस आल बी टैक्सेबल। हाईकोर्ट और जजेस, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिल रहा है एग्जेम्प्टेड, ऑफिशियल ऑफ पार्लियामेंट को मिल रहा है तो एग्जेम्प्टेड, और किसी एम्प्लॉय को मिल रहा है तो डिपेंडिंग अपॉन द सिटी एंड डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट वेदर हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। इफ द, अब वो सिटी और ओन्ड वाली बात कर लेते हैं। यदि
हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है तो 15% ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल, और यदि ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, यदि सिटी की पॉपुलेशन कितना 10 लाख तक है तो 7.5% ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल, 10 से 25 लाख है तो 10% ऑफ सैलरी शैल बी टैक्सेबल, और यदि सिटी की पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है तो 15% ऑफ सैलरी। दोबारा बोलिए सर, यदि 10 लाख के अंदर है तो 7.5%, 10 से 25 है तो 10% और 25 लाख से ऊपर है तो 15%। ये देखेंगे हम लोग 2008 के सेंसस के अनुसार, ये प्रोविजन पहले से था। अब इसमें 8 सितंबर ऑनवर्ड्स एक अमेंडमेंट आ गया, 8 सितंबर 2023 से एक अमेंडमेंट आ गया और बोलता है कि अब से, कब से, अब से 8/9/2023 से ये पुराना प्रोविजंस नहीं लगेगा, नया प्रोविजंस लगेगा। अब नया प्रोविजंस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय में लाइसेंस भी टैक्सेबल वही है, हाई कोर्ट में एग्जेम्प्टेड वही है, ऑफिशियल ऑफ पार्लियामेंट एग्जेम्प्टेड वही है, अदर एम्प्लॉयज में पॉपुलेशन और परसेंटेज थोड़ा सा चेंज हो गया। अब ये बोलते हैं यदि सिटी की पॉपुलेशन अप टू 10 लाख है तो 5%, 10 से 40 लाख है तो 7.5% और 40 लाख से ज्यादा है तो 10%। यहां पे ये पॉपुलेशन हम लोग देखेंगे 2011 के सेंसस से, और एक और यदि घर हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है तो पॉपुलेशन से कोई मतलब नहीं है, हमेशा 10% ऑफ सैलरी। तो जब एग्जाम में सम आएगा तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने का अलग कैलकुलेशन होगा और 8 सितंबर यानी 7 महीने का कैलकुलेशन अलग होगा। नॉर्मली यदि हम लोग एक्सपेक्ट करें कि एक नॉर्मल समय है और सिटी की पॉपुलेशन 70 लाख है तो ऐसे में 5 महीने के लिए 15% ऑफ सैलरी और 7 महीने के लिए 10% ऑफ सैलरी करना पड़ेगा। यहां पे सैलरी मतलब क्या, यहां पे सैलरी मतलब बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस ऑल टैक्सेबल मॉनिटरी पेमेंट, चाहे वो बोनस हो, फीस हो, कमीशन हो, अलाउंस हो, ऑल टैक्सेबल मॉनेटरी पेमेंट एक्सक्लूडिंग परक्विजिट एंड पीएफ। ठीक है, तनय वर्मा बोला यार तुम क्यों परेशान होता है, आगे बढ़ जाए। चलो, आरएफए में भी कई छोटी छोटी बातें हैं, जब से आरएफए ऑक्यूपाई हुआ तब से वो टैक्सेबल होगा, जब से आरएफए अलॉट हुआ तब से नहीं, When the RFA is occupied, और जब जब RFA occupy हुआ तब तब तक का सैलरी। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि RFA आपको कब अलॉट हुआ, कब occupy हुआ। सैलरी निकालते समय कोई रिटायरमेंट बेनिफिट काउंट में मत डालो एक्सेप्ट अनकम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन तो पर मंथ मिलता है तो वो काउंटिंग करो, लेकिन कोई भी लम सम बेनिफिट मत डालो। एनी रिटायरमेंट लम सम बेनिफिट विल नॉट बी एडेड इन सैलरी। यदि सैलरी आपको दो एम्प्लॉयर से मिल रहा है तो दोनों एम्प्लॉयर की सैलरी कंपाइल्ड करके फिर 10% या 15% जो भी निकालना है वो निकाल लेंगे। ठीक है, ये सारी बातें ध्यान रहेगी। यदि आपको कंपनी ने एक सिटी से दूसरे सिटी में शिफ्ट किया है और फॉर द टाइम बीइंग आपको दोनों सिटी में हाउसेज अलॉटेड है तो फिर 90 डेज, एक बार इजीनेस के लिए 3 महीने बोल दो, 90 डेज के लिए आपका दो में से एक हाउस टैक्सेबल होगा, लेकिन आफ्टर 90 डेज बोथ द हाउस शैल बी टैक्सेबल। और तो मुझे आरएफए में और कुछ नहीं बोलना। चलो, आरएफए में सारी काम की बात हमने बोल दिया, अब हम लोग आते हैं रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन जैसे निकालते थे वैसे निकालिए, और यदि कंपनी ने आपको फर्नीचर दिया है तो उस फर्नीचर के लिए आप एड करिए कितना, यदि वो फर्नीचर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, और यदि वो फर्नीचर हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है तो एक्चुअल हायर चार्जेज पेड बाय एम्प्लॉयर। फर्नीचर यहां पे इंक्लूड करता है ऑल हाउसहोल्ड अप्लायंसेज, तो यदि बॉस ने आपको टीवी दिया है, रेफ्रिजरेटर दिया है, किचन के यूटेंसिल्स दिए है, तो ये सारे के सारे फर्नीचर की कैटेगरी में काउंट होंगे। बात क्लियर? ओके, नेक्स्ट, रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन के बाद कंसेशनल रेंट एकोमोडेशन। यदि बॉस ने आपको घर दिया
लेकिन ये घर कंसेशनल रेंट पे दिया, रेंट फ्री नहीं दिया, कंसेशनल रेंट। जैसे सपोज उस घर का रेंट होना चाहिए 25,000 पर मंथ, बॉस ने आपको 4,000 पर मंथ में दे दिया। तो लॉ इसमें बोलता है पहले आप 10% ऑफ 15% ऑफ सैलरी से जो भी आपकी आरएफए की वैल्यू आ रही है पहले वो निकालिए, फर्नीचर वर्नीचर की वैल्यू उसमें ऐड कर दीजिए। यानी आप ऐसे मानिए एज इफ इट इज अ रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन, उसमें से फिर जितना एम्प्लॉई ने एम्प्लॉयर को रेंट दिया उतना माइनस कर दीजिए। सबट्रैक्ट व्हाट एवर रेंट इज पेड बाई एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर, उतना माइनस कर दीजिए। चेहरा क्यों उदास हो गया, स्थिर हो रहा है दिमाग से, स्पीड तेज, तो क्या क्या स्थिर हो गया? अभी तक ऐसा क्या बोला जोड़ दिया, ये बताना पड़ेगा तेरा। और धीरे हो जाते यार, जब डॉली हो जाते लिए धीरे हो सकता हूं तो तेरे लिए भी धीरे हो सकता हूं। ओके, तो हमने आरएफएफए कर लिया, अब और धीरे होने की चांस बारी आ गई है। हम लोग कर रहे हैं क्या, होटल एकोमोडेशन। तो आपको याद है यदि कंपनी आपको होटल एकोमोडेशन देता है तो एक लिमिटेड पीरियड तक तो एकदम ही एग्जेम्प्टेड है। हाउ मेनी डेज, 15 दिन तक आपका होटल एकोमोडेशन पूरा का पूरा एग्जाम्प्टेड है। हाँ, 15 दिन के बाद यदि आपको होटल एकोमोडेशन दिया जा रहा है कंटिन्यूड, इन दैट केस होटल एकोमोडेशन विल बी टैक्सेबल। कितना टैक्सेबल, सेम एज आरएफए, कितना, 24% ऑफ सैलरी और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लोअर, 24% ऑफ सैलरी, ध्यान रहेगा। यहाँ पे सैलरी मतलब सेम एज आरएफए जो आपने पढ़ा था। तो यदि आपको बॉस 40 दिन के लिए घर दे रहा है तो 15 दिन के लिए उसको हटाइए और बचे हुए 25 दिन के लिए 24% ऑफ सैलरी और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लोअर करिए। यानी 15 दिन का तो एग्जम्पशन मिलेगा। चलो होटल फैसिलिटी 24% सैलरी पर 15 दिन का दे दिन, कैसा आया तुम्हारे दिमाग में 10 दिन? मतलब तुम गाने नहीं सुनता हमारे, तुम बैठ के ए आर रहमान के गाने सुनता है, देख ले तेरा काम हो जाए तो वहां से। चलो, होटल एकोमोडेशन के बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे और उसमें हम लोग करते हैं क्या, गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर। तो बॉस यदि आपको गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर दे रहा है तो भैया ट्रीटमेंट होगा मालूम क्या, फुल्ली टैक्स, खत्म, कुछ मत सोचो। जितना बहुत सा खर्चा लगा उतना टैक्स, ध्यान रखना, वाटर फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी और गैस फैसिलिटी, सब के सब टैक्सेबल। बॉस यदि आपको टेलीफोन फैसिलिटी दे रहा है तो एग्जम्प्टेड, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर्वेंट फैसिलिटी, तुम्हारा फेवरेट, यदि बॉस आपको सर्वेंट फैसिलिटी दे रहा है तो फुल्ली टैक्सेबल, एकदम एकदम से, ठीक है। अब आ रहा है वो सब वेट ही कर रहे हैं, गार्डनर फैसिलिटी। तो बॉस ने यदि आपको जीएफ दे दिया है, हाँ, तो गार्डनर फैसिलिटी इज ट्रीटेड एज सर्वेंट फैसिलिटी, गार्डनर फैसिलिटी शैल बी ट्रीटेड एज सर्वेंट फैसिलिटी। हाउएवर इफ द जीएफ इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, जीएफ इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर विथ आरएफए, सपने दो इनके विथ आरएफए एंड द आरएफए इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, तो भैया बॉस ने अपना घर तुम्हें दिया है तो यार जब बॉस का घर है तो गार्डन भी वही मेंटेन करेगा, मैं क्यों करूंगा? तो देन गार्डनर फैसिलिटी शैल बी एग्जम्प्टेड। इंपॉर्टेंट है, आरएफए भी मिलना चाहिए, आरएफए इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर भी होना चाहिए, तब जाके गार्डनर फैसिलिटी एग्जम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अब हम लोग आ रहे किसमें, यूज ऑफ एसेट। बॉस ने दिया आपको एसेट यूज करने के लिए दिया है तो भैया सेम एज फर्नीचर। यदि बॉस ने आपको लैपटॉप यूज करने के लिए दिया है तब तो ये एग्जेम्प्टेड ही है, टेलीफोन यूज करने के लिए दिया है तब तो ये एग्जेम्प्टेड ही है, कंप्यूटर ऑफिस पर्सनल पर्पस दोनों के लिए यूज करने के लिए दिया है, एग्जेम्प्टेड है। आपको बॉस ने लैपटॉप दे दिया, पूरा जाओ जितना वीडियो गेम डाउनलोड करना करो, एग्जेम्प्टेड, नो इश्यू। लेकिन इसके अलावा और कोई एसेट बॉस ने आपको दिया है तो If it is owned by employer, तो 10% of original cost, और यदि it is hired by employer, तो actual higher charges will be taxable, ठीक है। Use of asset के बाद आइए तुम्हारा favorite, sale of asset। धीरे बोलूंगा तो तुम्हें salary tough लगने लग जाएगी, मैं पहले बता देता हूँ। Sale of asset में provisions ये है कि boss ने अपनी asset आपको बेच दिया,
तो परक्विजिट होगी जितनी उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू है उसमें से सेल वैल्यू माइनस कर दो। सपोज उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू है 4 लाख, बॉस ने तुमको बेचा 1 लाख में, तो 3 लाख रुपीज परक्विजिट माना जाएगा। अब प्रश्न क्या आता है, सेल वैल्यू तो दिया ही रहेगा बॉस ने कितने में बेचा, लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे मालूम पड़ेगा? तो रिटर्न डाउन वैल्यू मालूम पड़ेगा बीइंग मिनिमम ऑफ, रिटर्न डाउन वैल्यू मालूम पड़ेगा, निकालना पड़ेगा रिटर्न डाउन वैल्यू। कैसे निकाले? तो यदि वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, डेटा प्रोसेसिंग आइटम है, टीवी रेफ्रिजरेटर इलेक्ट्रॉनिक आइटम कॉमन पार्लेंस में, यहां पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम मतलब सिर्फ डेटा प्रोसेसिंग आइटम लाइक डिजिटल कैमरा, लाइक लैपटॉप, लाइक मोबाइल, यदि ये सब चीज बॉस तुमको बेच दे तो टैक्सेबल परक्विजिट। कैसे निकालेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू? 50% एंड WDV मेथड। नंबर नेक्स्ट, कार बेच दे तो 20% WDV मेथड, और कोई एसेट बेच दे तो 10% SLM मेथड। और ये डेप्रिसिएशन निकालते समय एनी पार्ट ऑफ 12 मंथ शैल बी नोट। यानी सपोज बॉस ने आपको 7 जुलाई को लैपटॉप बेचा, बॉस ने एक लैपटॉप खरीदा था 7 जुलाई 21 को, लैपटॉप परचेज फॉर से 5 लाख, बॉस ने आपको बेच दिया 3/6/23 को, लैपटॉप सोल्ड टू यू फॉर 25,000। तो परक्विजिट निकालते समय फ्रैक्शन ऑफ द ईयर इग्नोर करना है, इसका मतलब ये नहीं कि 21/22 को इग्नोर कर दे, नहीं 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 नहीं, 7/7/21 के दिन वैल्यू है 5 लाख, 7/7/21 से 7/7/22 ऐसे निकालते 12 महीने, डेप्रिसिएशन मारो 2.5 लाख, आ गया बचा हुआ 2.5 लाख। अब 7/7/22 से 7/7/23 मारो, आया क्या 7/7/23? नहीं सर आया ही नहीं, 3/6/23 आया। इसको बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ द ईयर, यहां पे कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा क्योंकि एनी फ्रैक्शन ऑफ ईयर हेल्प इट नॉट। तो 2.5 लाख की चीज आपको कितने में मिली? 25,000 में, 2,25,000 परक्विजिट मानी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ओके, आगे बढ़े। परक्विजिट में सेल ऑफ एसेट के बाद आते हैं अपने नेक्स्ट मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी यदि इंडिया में दिया जा रहा है तो 5 बातें ध्यान रखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकल फैसिलिटी हर कंपनी अपने एम्प्लॉयज को देती है। पहला, यदि वो फैसिलिटी अपने कंपनी के अंदर ही है, फर्स्ट एड फैसिलिटी, या कंपनी के अंदर ये तो अलग से कैंप बना दिया है, तो भैया ये सब तो एग्जेम्प्टेड है। यदि बॉस का अपना हॉस्पिटल है उसमें तुम्हारा मुफ्त में इलाज हो रहा है, एग्जेम्प्टेड है। बॉस तुमको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करा रहा है, कैसे खतरनाक बॉस है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है तो हा 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 एग्जेम्प्टेड है, क्योंकि वहां पे इलाज होता ही नहीं है। चलो उसके बाद यदि बॉस ने आपको क्रोनिक डिजीज का इलाज करने के लिए भेजा है, कैंसर, एड्स, पार्किंसन, ऐसी बीमारियों का इलाज करा रहा है, तो भले किसी भी हॉस्पिटल में करा दे इंडिया में, एग्जेम्प्टेड है। और बॉस तो हॉस्पिटल की बात ही नहीं हो रही, बॉस सिंपल तुम्हारा खांसी सर्दी दवाई का खर्चा रिम्बर्स कर रहा है, विच इज वेरी पॉपुलर परक्विजिट, तो इट इज फुल्ली टैक्स, फुल्ली टैक्स। नेक्स्ट, यदि मेडिकल फैसिलिटी आपको आउटसाइड इंडिया दिया जा रहा है, मेडिकल फैसिलिटी यदि आपको आउटसाइड इंडिया दिया जा रहा है, तो भैया ट्रीटमेंट इसका ऐसा है कि ट्रीटमेंट भी टैक्सेबल होगा, ट्रेवल भी टैक्सेबल होगा, स्टे भी टैक्सेबल होगा। कैसे बताते हैं, यदि पहले ट्रेवल की बात करते हैं, ट्रेवल में एक पेशेंट के साथ एक केयर टेकर का ट्रेवल एग्जेम्प्टेड है, सब्जेक्ट टू अ कंडीशन कि एम्प्लॉय की टोटल इनकम 2 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये तो बकवास कंडीशन है, ये तो सबकी 2 लाख से ज्यादा होगी, तो भैया ये समझो कि ट्रेवल फैसिलिटी तो टैक्सेबल है, एक पेशेंट एक केयर टेकर का भी छूट नहीं है, सब टैक्सेबल है। स्टे फैसिलिटी एक पेशेंट और एक केयर टेकर का एग्जेम्प्टेड है, एक पेशेंट के साथ एक केयर टेकर एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, बस जितना आरबीआई परमिट करे उतना, आरबीआई कोई मनाही करता ही नहीं है, तो पूरा का पूरा ही एग्जेम्प्टेड है। ट्रीटमेंट फैसिलिटी एक पेशेंट का, मतलब पेशेंट का एग्जेम्प्टेड है, और इसमें आरबीआई लिमिट जितना बोलेगा उतना ही एग्जेम्प्टेड है, परंतु आरबीआई कुछ बोलता ही नहीं इसलिए सारा का सारा एग्जेम्प्टेड है। तो लिटरली यदि अपने ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो सिर्फ ट्रेवल टैक्सेबल है, बात बात ये सब एग्जेम्प्टेड है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब याद रखना पड़ेगा।
मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया के बाद तुम्हारे फेवरेट में आते हैं कार फैसिलिटी। यदि बॉस ने तुम्हें कार दिया हुआ है तो पहले ये देखेंगे कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर, यूज फॉर ऑफिस, नॉन टैक्सेबल। ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर, यूज फॉर पर्सनल पर्पज, तो कार के लिए 10% ऑफ वैल्यू ऑफ कार और मेंटेनेंस इतना दे रहा पूरा का पूरा टैक्सेबल। कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर, यूज फॉर बोथ पर्पजेज, तो हम लोग बोलेंगे डिपेंड्स अपॉन कैपेसिटी ऑफ कार। यदि 16 हॉर्स पावर से ज्यादा की कैपेसिटी है तो 2400 रुपए पर मंथ विल बी टैक्सेबल, और 16 हॉर्स पावर तक की कैपेसिटी की कार है तो 1800 पर मंथ विल बी टैक्सेबल। क्लियर है? 1800 2400 याद था। अगले में आते हैं, कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉई, है ना, एंड यूज फॉर ऑफिस पर्पज, नॉन टैक्सेबल, यूज फॉर पर्सनल पर्पज, तो 10% ऑफ द कार, क्योंकि कार ही दिया है, मेंटेनेंस तो दिया नहीं है। और इफ द कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर, यूज फॉर बोथ पर्पजेज, इन दैट केस यदि हायर कैपेसिटी कार है तो 900 रुपए पर मंथ, लोअर कैपेसिटी कार है तो 600 पर मंथ विल बी टैक्सेबल। याद है क्या ये सब बातें? यहां पे था हायर कैपेसिटी 2400 और लोअर कैपेसिटी 1800 यदि ओन्ड एंड मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर। यदि ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉई है, तो ये हो जाएगा 900 600। यदि आप ध्यान दो तो ये 8 और 1 को जोड़े तो 900 हो जाता है, 4 और 2 को जोड़े तो 600 हो जाता है। और यदि कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉई, मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर, ये ज्यादा पॉपुलर है, ओन्ड बाय एम्प्लॉई, मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर, इन दैट केस जितना बॉस ने मेंटेनेंस दिया उतना टैक्सेबल। लेकिन यदि कार बोथ पर्पज में यूज हो रहा है तो जितना बॉस ने मेंटेनेंस दिया उसमें से 1800 पर मंथ या 2400 पर मंथ माइनस हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी ऑफ कार। हायर कैपेसिटी के लिए 2400 माइनस हो जाएगा, लोअर कैपेसिटी के लिए 1800 पर मंथ माइनस हो जाएगा, रेस्ट विल बी द टैक्सेबल पर्पज। क्लियर? लेकिन यदि एम्प्लॉई दो चीजें पुट ऑन करे, एक लॉग बुक ऑफ द कार और दूसरा एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट, तो यहां पे 1800 2400 से ज्यादा का डिडक्शन भी मिल सकता है। जितना कार ऑफिस यूज में हुआ उतने का डिडक्शन यहां पे मिल जाएगा, रेस्ट विल बी टैक्सेबल। ठीक है, एक बार इसको ढंग से समझ लो। एच की कार है, एच एज ए कार, यूज फॉर ऑफिस पर्पज, यूज फॉर बोथ पर्पज, कार मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर, रुपीज 1,80,000, 70% कार यूज फॉर ऑफिस, थोड़ी स्पेलिंग की ध्यान मत दो। हाँ, अब इसमें दिया हुआ है केस वन, लॉग बुक मेंटेन्ड, एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट अवेलेबल। केस टू, नो लॉग बुक या नो एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट, दो में से एक भी चीज मिसिंग है तो भैया नो लॉग बुक और नो एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट, तब तो आसान है, जितना मेंटेनेंस मिल रहा है माइनस 1800 × 12, मान लिया लोअर कैपेसिटी कार है, 1,80,000 में लोअर कैपेसिटी की कार मेंटेन होगी, और यदि लॉग बुक है तो 1,80,000 माइनस 70% ऑफ द 1,80,000, मतलब 54,000 विल बी टैक्स। आई होप क्लियर। यदि कार के साथ आपको ड्राइवर भी मिल रहा है तो ड्राइवर यदि ऑफिस पर्पज में ही यूज हो रहा है तो एग्जेम्प्टेड, पर्सनल पर्पज में ही यूज हो रहा है तो फुल्ली टैक्सेबल, और बोथ पर्पज में यूज हो रहा है तो 900 रुपए पर मंथ टैक्सेबल। कार के केस में पार्ट ऑफ द मंथ इग्नोर करेंगे। यदि आपको कार 7 महीने 6 दिन के लिए मिली है, 7 महीने 19 दिन के लिए मिली है, 7 महीने का टैक्सेबल करेंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कहाँ आ गया? कार हो गया, ये सब हो गया, हो गया सुपर एनुएशन फंड, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सुपर एनुएशन फंड, तो 2,00,000 रुपया, यही था ना, याद नहीं आ रहा, कितना था? अरे एजेंट तो बताओ कितना था। सुपर एनुएशन फंड में एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है तो कितना टैक्सेबल होगा? एंड आंसर इज, वेटिंग 1,50,000 था,
हो सकता है, मुझे तो याद नहीं आ रहा है। यदि एम्प्लॉयर ने सुपरनेशन फंड में कॉन्ट्रीब्यूशन किया है 1 लाख, 1 लाख भी हो सकता है, पता नहीं, याद तो नहीं आ रहा है भैया। देखो तो सुपरनेशन फंड में कितना एग्जम्प्टेड है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख या 2.5 लाख। मोहम्मद साहिद बोल रहे हैं 2.5 लाख, जितने लोग उतनी बातें, 1 लाख। नहीं 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 नहीं, मन नहीं मान रहा मेरा। तृतीय चांद बोल रहा है 1.5 लाख, अरे जितने लोग उतनी बातें हैं। ये 2 पॉइंट क्या बोल गया, देखो सबके सब प्रवचन दे दिए। चलो ठीक है, होल्ड करते। तो सुपरनेशन फंड में एम्प्लॉयर ने जितना भी कंट्रीब्यूशन किया उसका 1/5 अमाउंट एग्जम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। मेरी टीम भी नहीं है, तो देखते नेक्स्ट बात करें। उसके बाद हम लोग करते हैं गिफ्ट, ये पेंडिंग है। अरे आज अलग अलग लोग आ रहे हैं, सरीना बोल रही 1.5 लाख, हर्ष बोल रहा है 1 लाख, मोहम्मद बोल रहा 7.5 लाख, देवदत्त नराला बोल रहा है 1.5 लाख। ओह गिफ्ट, यदि गिफ्ट आपको इन कैश मिलता है तो भैया फुल्ली टैक्स, और गिफ्ट यदि आपको इन काइंड मिलता है तो 5,000 रुपये तक एग्जम्प्टेड है, ठीक है, 5,000 रुपये तक एग्जम्प्टेड है। आगे बढ़ो, गिफ्ट के बाद क्लब फैसिलिटी, तो बताई दिया क्लब के बारे में, तो कि हेल्थ क्लब एग्जम्प्टेड, स्पोर्ट्स क्लब एग्जम्प्टेड। लेकिन यदि क्लब फैसिलिटी इनके अलावा और कोई क्लब है तो टैक्सेबल परपोजिट होगा, फुल्ली टैक्सेबल। लेकिन यदि कॉरपोरेट मेंबरशिप ले लिया है तो फिर एंट्रेंस फी विल नॉट बी टैक्सेबल, बात बात ही टैक्सेबल, ठीक है ना। कॉरपोरेट मेंबरशिप में एंट्रेंस फी नॉन टैक्सेबल। नेक्स्ट, 7.5 लाख की कहानी अलग है मोहम्मद साहिद, वो अलग चीज है, क्लब फैसिलिटी के बाद आते। अब बच्चा क्या ही बताओ, लीव ट्रेवल कंसेस आरपीएफ पीएफ की बात नहीं कर रहा हूं यार, परपोजिट चल रहा है अभी। हाँ उठ जा, उठ, ओके, लीव ट्रेवल कंसेशन कर रहा है। तो यदि कंपनी आपको लीव ट्रेवल के लिए भेज रही है, छुट्टियों पे घूमने के लिए भेज रही है, तो भैया आपको सेक्शन 10(5) में एग्जम्प्टेड मिलेगा। और प्लीज ध्यान देना सारे बच्चों, न्यू रिजिम में 10(5) का डिडक्शन नहीं है, कल ये भी नहीं बोला था मैंने। लीव ट्रेवल यानी 10(5) का न्यू रिजिम में बेनिफिट नहीं है। यदि आप न्यू रिजिम ऑप्ट करेंगे तो आपको 10(5) लीव ट्रेवल कंसेशन छोड़ना पड़ेगा, ओके। लेकिन लीव ट्रेवल कंसेशन ओल्ड रिजिम में मिलता है, और ओल्ड रिजिम बोलता है कि ट्रेवल मस्ट बी इन इंडिया, इंडिया के बाहर ट्रेवल करेंगे तो टैक्सेबल हो जाएगा। ट्रेवल आप किसी भी मोड से कर सकते हो, रेल, एयरक्राफ्ट, वाटर रूट, जिससे चाहे करो। यदि आप रेल से कर रहे हो तो फर्स्ट क्लास एसी फेयर तक एग्जाम्प्टेड है, एयर से करो तो इकोनॉमिक क्लास तक एग्जाम्प्टेड है, और किसी रूट से करेंगे तो उतनी डिस्टेंस का जो रेल फेयर होता है उतना एग्जाम्प्टेड है, ठीक है, ओके ओके। चलो आगे बढ़े, ट्रेवल में आप जा सकते हो, अच्छा ट्रेवल यदि आप मल्टीपल जर्नी करते हो तो आपके पॉइंट ऑफ ओरिजिन से फार्देस्ट पॉइंट ट्रेवल्ड तक का फेयर एग्जम्प्टेड हो जाएगा। ट्रेवल खर्चा एग्जम्प्टेड है, स्टे खर्चा एग्जम्प्टेड नहीं है, और आपको पता है स्टे का ज्यादा खर्चा लगता है, स्टे का खर्चा एग्जम्प्टेड नहीं है, और तो कोई खर्चा एग्जम्प्ट होने का सवाल ही नहीं उठता, सिर्फ ट्रेवल का खर्चा, आने जाने का खर्चा एग्जम्प्ट है। ट्रेवल आप फैमिली के साथ कर सकते हो, और फैमिली मतलब यहाँ पे आप, आपकी वाइफ, आपके टाबरे, ठीक है, आपके टाबरे में अलग ढंग से बना देता हूँ यार, ये तो टाबरा होते थे दो मुंह वाला, तो आपके टाबरे, ये टाबरा और ये टाबरा, ये हो गए आपके भाई बहन, आपके मम्मी पापा। ये जो बाहर वाले ना, ये मस्ट बी डिपेंडेंट, और भीतर वाले डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट कुछ भी हो, तो भाई बहन मम्मी पापा मस्ट बी डिपेंडेंट। और देखो मैंने टाबरा कैसे बनाया, इतनी मेहनत से टाबरा बनाया है, और सिर्फ दो ही टाबरे अलाउड है, दो से बेसी हुए तो अलाउड नहीं होंगे, और उसके बाद वो
अजीब और गरीब प्रोविजंस। बच्चे मेरे से पूछते हैं ये हर जगह लगेगा क्या? ये हर जगह नहीं लगता, सिर्फ 10-5 में लगता है। कौन सा? यदि पहले में जुड़वा बच्चे हो जाए तो दूसरे नॉट अलाउड, और यदि पहले में सिंगल हुआ और दूसरे में तुड़वा हो जाए तो चारों अलाउड। ये खतरनाक प्रोविजन सिर्फ यहीं पर लगता है भाई, और कहीं नहीं लगता। पहले में जुड़वा, फर्स्ट बर्थ मल्टीपल बर्थ, तो सेकेंड बर्थ नॉट अलाउड, और यदि फर्स्ट बर्थ सिंगल बर्थ और सेकेंड बर्थ में मल्टीपल बर्थ तो फिर सारे के सारे अलाउड। ठीक है, ट्रेवल का ये जो लीव ट्रेवल कंसेशन का कंसेशन है, ये 4 साल के ब्लॉक में आपको 2 बार ही अलाउड होगा। और यदि प्रेसिडेंट ब्लॉक आपका होली और पार्टली अनअवेल्ड है तो करेंट ईयर के फर्स्ट ईयर में आपको 1 एक्स्ट्रा जर्नी अलाउड होती है। इसके साथ मुझे लगता है परक्विजिट खत्म, मुझे लगता है सुपरनेशन फंड 1.5 लाख है। ठीक है, अच्छा ये सब और कुछ दे दी, किसी दिमाग में आ रहा ना परक्विजिट जो मैंने नहीं बताया? मुझे नाम बता दो, बात बाकी मैं दे दूंगा। एक बच्चे ने नाम बताया इसॉप। इसॉप में यदि आपको कोई शेयर मिलता है, इसॉप बोलो, स्वेट इक्विटी बोलो, ये सब एक ही बात है। बात इतनी सी है कि कंपनी अपने एम्प्लॉय को शेयर दे रहा है कंसेशनल रेट पे, तो टैक्सेबल परक्विजिट। कितना टैक्सेबल परक्विजिट? मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर माइनस इश्यू प्राइस, जितना आपको कंसेशन मिला उतना टैक्सेबल। अब इसमें 2 बातें आती है जो हम लोग एक एग्जाम्पल से समझाते हैं मीट। ठीक है, कि ये कैसे टैक्सेबल होगा? तो भैया मार्केट वैल्यू लेंगे व्हेन द ऑप्शन इज एक्सरसाइज, और टैक्सेबल करेंगे व्हेन द शेयर्स आर अलॉटेड। ठीक बोला ना मैंने? मार्केट वैल्यू कंसिडर करेंगे व्हेन द ऑप्शन इज एक्सरसाइज, एंड टैक्सेबल होगा इन द ईयर व्हेन शेयर्स आर अलॉटेड। ओके, अब अपना अगला परक्विजिट आ रहा है इंटरेस्ट फ्री लोन। ये तो बहुत बड़ी परक्विजिट है भाई। यदि बॉस ने आपको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है, आवाज है, तो 20,000 रुपए तक का इंटरेस्ट फ्री लोन एग्जेम्प्टेड है। कितने तक का? 20,000 तक। और 20,000 से ऊपर का यदि इंटरेस्ट फ्री लोन आ गया तो फिर पूरा का पूरा लोन टैक्सेबल हो जाएगा। लोन नहीं, लोन का इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट SBI की रेट से लेंगे और मंथ एंड बैलेंस पे इंटरेस्ट लगाएंगे। और तो इसमें कुछ नहीं बोलना, बहुत छोटी छोटी बातें, सिर्फ मिला के 5 बातें हैं। बहुत बड़ी परिस्थिति मिला के बाद 5 बातें हैं। 20,000 तक है तो एग्जेम्प्टेड, 20,000 से ऊपर है तो फुल्ली टैक्सेबल। SBI का रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है, SBI का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है सब में दिया रहेगा, और इंटरेस्ट लगाना है मंथ एंड बैलेंस पे। तो बॉस ने दी आपको 7 जुलाई 2023 को लोन दिया और आपने उसको 8/11/23 को रिपे कर दिया। सपोज 50 लाख का लोन है और इंटरेस्ट रेट SBI वाला है सपोज 10%, तो इंटरेस्ट आपने निकलेगा 50 लाख इंटू 10% इंटू हाउ मेनी महीने? जुलाई काउंट करूं या नहीं करूं? जुलाई काउंट करूं या नहीं करूं? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने का इंटरेस्ट, इतना महीना टैक्सेबल हो जाए। ओके ओके ओके। अब यदि ये इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया जाए, मतलब सॉरी कंसेशनल इंटरेस्ट लोन दे दिया जाए, तो पहले आप इसको इंटरेस्ट फ्री लोन की तरह निकालिए और लेस इंटरेस्ट पेड बाय एम्प्लॉई,
इंटरेस्ट पेड बाय एम्प्लॉई माइनस करिए। ओके, पहले आप इंटरेस्ट फ्री लोन की तरह निकालिए, लेस इंटरेस्ट पेड बाय एम्प्लॉई माइनस करिए। एक एग्जांपल से लीजिए, एम्प्लॉयर ग्रांटेड लोन रुपीज 10 लाख एट द रेट 4% टू एम्प्लॉय ऑन 31st January ऑफ प्रीवियस ईयर। फाइंड टैक्सेबल परक्विजिट, फाइंड परक्विजिट। तो आंसर हो गया SBI रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज 10% है, तो आपका इंटरेस्ट फ्री लोन के अनुसार टैक्सेबल परक्विजिट होती है 10 लाख इंटू 10% इंटू जनवरी को लोन दिया, जनवरी एंड में लोन दिया, तो बताओ जनवरी कंसिडर करे या नहीं करे? करेंगे, मंथ एंड बैलेंस, मंथ के एंड में लोन था, हाँ था, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट, लेस इंटरेस्ट पेड बाय एम्प्लॉयर, सॉरी पेड बाय एम्प्लॉई। तो एम्प्लॉय ने कितना दिया? 10 लाख इंटू 10% 4% सॉरी। अब बताइए क्या एम्प्लॉय जनवरी का इंटरेस्ट देगा? वो बॉस तो बोले क्या बॉस, 31 जनवरी तो लोन लिया, कैसे इंटरेस्ट दूंगा आपको? वो नहीं देगा, वो फरवरी मार्च में देगा। तो टैक्सेबल परक्विजिट आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 25,000 और यहाँ पे आ जाएगी 2,640,000 / 6,667 परक्विजिट आ गया 18,333। हाँ, अब इसमें छोटी सी बात और है कि यदि आपको किसी क्रोनिक डिजीज के लिए बॉस ने इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है तो नॉन टैक्सेबल। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बॉस ने लोन दिया, नॉन टैक्सेबल। लेकिन यदि आपको मेडिक्लेम मिल गया, तो जब से मेडिक्लेम मिला तब से वो इंटरेस्ट विल बिकम टैक्सेबल टू द एक्सटेंट ऑफ क्लेम रिसीव्ड। जैसे बॉस ने आपको 10 लाख रुपए का लोन दिया, एट्स रिसीव्ड लोन ऑफ 10 लाख फ्रॉम एम्प्लॉयर फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, ओके, ऑन 6th ऑफ द प्रीवियस ईयर ही गॉट मेडिक्लेम ऑन 9/11 ऑफ प्रीवियस ईयर रुपीज 4 लाख। फाइंड टैक्सेबल इंटरेस्ट। तो भैया 10 लाख का लोन दिया वो भूल जाइए, 6 को दिया वो भी भूल जाइए, जब आपको वो मेडिक्लेम मिला तब से वो टैक्सेबल होगा टू द एक्सटेंट ऑफ क्लेम रिसीव्ड। तो 4 लाख इंटू नवंबर महीने से वो टैक्सेबल होगा, नवंबर से मार्च 5 महीने और रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लिया 10%, आंसर आ गया। जब से मेडिक्लेम मिला तब से लोन विल बी टैक्सेबल। अब मीनू अग्रवाल हमारे यहाँ स्टूडेंट है जो बोल रही है, सपोज सर लोन टेकन ऑन 1st जुलाई एंड पेड ऑन 31st जुलाई तो इंटरेस्ट विल बी निल। हाँ जी निल, आप पढ़ा रही हो कि बता रही हो? बोलते हैं आपको पढ़ा रही हूँ और सबको बता रही हूँ। नाइस, क्लियर, आगे बढ़े। मंथ एंड बैलेंस तो सभी में, तभी तो नवंबर पूरा लिया, देखना तेरे सामने लिया। मंथ एंड बैलेंस तो इसकी आत्मा है, SBI तो इसकी आत्मा है, वो तो रह दिया राल में। इंटरेस्ट फ्री लोन के बाद बच्चे बदलास परक्विजिट का नाम लेने लग गए, होलीडे होम। तो होलीडे होम में जो उसकी नोशनल मार्केट वैल्यू है दैट विल बी टैक्सेबल। यदि वही होलीडे होम आप मार्केट में भाड़े पे ले रहे होते तो कितना रेंट लगता उतना आपके हाथ में टैक्सेबल परक्विजिट हो जाएगा। ठीक है, ओके, हम लोग आ जाते हैं। अब कोई काम का नहीं है, 19, 20, 21 में उस समय आया था, अब COVID-19 में कौन मर रहा है? क्रेडिट कार्ड जितना बॉस का खर्चा हुआ उतना टैक्सेबल, क्रेडिट कार्ड जितना बॉस का खर्चा हुआ कॉस्ट टू एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल। COVID-19 अब नहीं आएगा, अच्छा उस पर्टिकुलर ईयर इंपॉर्टेंट था। ओके, चलो आगे बढ़ते। अब हम लोग आ गए PF में। यहां तक एक रिकैप की दरकार है नहीं, बोल भी दो देना तो होना मुश्किल है, क्योंकि ये रिकैप स्पीड में तो चल रहा था,
रिकैप स्पीड में चल रहा तभी तो 1.25 घंटे में सैलरी मोटा मोटी फिनिश कर ली है। अब हम लोग आ रहे पीएफ में, तुम बोलो तो एक गाना सुना देते फ्रेशनेस लिए, फ्रेशनेस लिए गाना सुन लो, पहले प्रकोचर का गाना सुन लो वो यहाँ पे सही काम आएगा, और उसके बाद तुमको एक फ्रेश गाना सुनाता है वो तुमको सुन के मजा भी आएगा। तो पहले क्या सुन लो, प्रकोचर का गाना, प्रकोचर का गाना सबको आता ही है यार, है क्या मेरे पास है? शुरू करें, तुम सबको पता है क्या? तुम बताओ यार, अब ओरिजिनल गाना याद है, तुम भूल गया सुरत नहीं आरएफ में, चलो यही से स्टार्ट करते हैं। आरएफ में 10% सैलरी, कार में 1800 पर मंथ टैक्सेबल, गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर सर्वेंट पर परप्पा, सारे के सारे है फुल्ली टैक्सेबल, गार्डनर है दिया अपना घर भी दिया, तो फिर गार्डनर को दे देन तुम मैं जमसन, गिफ्ट इन काइंड 5000 को छोड़ के टैक्स करो, सुपर एनिवेशन 1.5 लाख को छोड़ के टैक्स करो, एसेट यूज करने पे 10% ऑफ कॉस्ट करो, एसेट सेल में WDV कैलकुलेट करो, होटल फैसिलिटी 24% सैलरी पर 15 दिन का दे देना तुम मैं जमसन, आरएफ में 15% सैलरी पर परप्पा, कार में 1800 पर मंथ टैक्सेबल, मेडिकल रिम्बर्समेंट पूरा टैच करो, MIP एग्जम्प्टेड LIP को टैच करो, खेल कूद को छोड़ के सारी क्लब को टैच करो, इस ऑफ के शेयर मिले तो कंसेशन को टैच करो, लीव ट्रेवल जो मिले फैमिली भी चले, तो फिर 2 बच्चों का दे देना तुम एग्जम्प्शन, 15 लाख की पॉपुलेशन 5% करो, हम लोग क्लास में 10 लाख बोले थे, 15 लाख की पॉपुलेशन 5% करो, 40 लाख की पॉपुलेशन 7.5 करो, रेंट रेंटेड बिल्डिंग हो तो 10% ऑफ टैक्स करो, पॉपुलेशन 2000 ग्यारह की धरो, फर्स्ट ईयर जो वैल्यू उस पर इंडेक्स कर, ये तुम्हारे काम का नहीं है इंडेक्स वाला पॉइंट, क्योंकि इंडेक्स तो अगले साल से अप्लीकेबल होगा, ये फर्स्ट ईयर की जो वैल्यू आ गई अब उस पर अगले साल इंडेक्सेशन करके निकालेंगे, और यदि इंडेक्सेशन करने वाली वैल्यू कम आई तो वो वैल्यू लेंगे ये तुम्हारे काम की नहीं है। एम्प्लॉयर कार PF 7.5 लाख, एम्प्लॉई कार PF 2.5 लाख, इससे ज्यादा जो देवे उस पे टैक्स ले लेवे, और इंटरेस्ट तो अलग से टैक्स दे पता नहीं टैपिंग एरर है। एनी हाउ यहां तक एक बार आया क्या? वंस एक बार और बनता है यार, इसको बंद करते, 1 2 3 आरएफ में 15, आरएफ में 10% सैलरी पर परप्पा, कार में 1800 पर मंथ टैक्सेबल, गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर सर्वेंट पर परप्पा, सारे के सारे है फुल्ली टैक्सेबल, गार्डनर है दिया अपना घर भी दिया, तो फिर गार्डनर को देते तुम एग्जम्प्शन, गिफ्ट इन काइंड 5000 को छोड़ के टैक्स करो, सुपर एनिवेशन 1.5 लाख को छोड़ के टैक्स करो, गिफ्ट इन काइंड 5000 को छोड़ के टैक्स करो, सुपर एनिवेशन 1.5 लाख को छोड़ के टैक्स करो, होटल फैसिलिटी 24% सैलरी पर 15 दिन का दे देना तुम मैं जमसन, आरएफए में 15% सैलरी, कार में 1800 पर मंथ टैक्सेबल, एसेट यूज करने पे 10% ऑफ कॉस्ट करो,
एसेट सेल में डब्ल्यू डी बी कैलकुलेट करो, कंप्यूटर में 50, कार में 20, अदर में 10, डब्ल्यू डी वी में सिर्फ सेल प्रोसीड लेस करो, फ्री में खाना है दिया, 50 रुपये का दिया, तो फिर खाने को तुम देते ना फिर एक्सेम्पशन, मेडिकल रिम्बर्समेंट पूरा टैच करो, MIP एग्जम्प्टेड, LIP को टैच करो, खेल कूद को छोड़ के सारी क्लब को टैच करो, इस ऑफ शेयर मिले तो कंसेशन को टैच करो, लिव ट्रेवल जो मिले फैमिली भी चले, तो फिर दो बच्चों का दे दे तुम एग्जम्प्शन, 15 लाख की पॉपुलेशन 5% करो, 40 लाख की पॉपुलेशन 7.5% करो, रेंटेड बिल्डिंग हो तो 10% ऑफ कॉस्ट करो, पॉपुलेशन 2011 की धरो, आया कुछ नहीं तो रिफ्रेशिंग था, और यदि इंजेक्ट हो चुका है तो एग्जाम में काम जरूर आएगा, बहुत जबरदस्त काम आएगा, बहुतों का बेड़ा पार हुआ है, बहुतों का बेड़ा पार होगा। हम लोग आज PF में, अरे बहुत बढ़िया जाना है यार, अजीबोगरीब गीत है वो। आओ, PF हमें ऑलरेडी पता है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड होता है, रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड होता है, अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड होता है, और सुपर स्टैट्यूटरी पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। ये देखो, ये सब तो सैलरी की बातें हो रही है, हाँ पब्लिक प्रोविडेंट फंड तो IFOS की बातें हो रही है, इसमें एम्प्लॉयर डालता ही नहीं है पैसा, यहाँ पे एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन डाले तो भैया नॉन टैक्सेबल, यहाँ पे 12% ऑफ सैलरी टैक्सेबल, नहीं 12% ऑफ सैलरी तक एग्जम्प्टेड, उसके बाद टैक्सेबल, URPF में यदि एम्प्लॉयर ने पैसे डाले तो नॉन टैक्सेबल, इसमें डालता ही नहीं है। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन में ATC मिल जाता है, ATC मिल जाता है, यहाँ पे ATC नहीं मिलता, यहाँ पे ATC मिल जाता है, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन को खुद का पैसा डाला ना, खुद का पैसा डाला तो टैक्सेबिलिटी किस बात की है ना, मैं आज अपने पैसे बैंक में डाल देता हूँ तो किस बात का टैक्सेबिलिटी, तो PPF मैंने बैंक अकाउंट खोला उसमें डाल दिया, किस बात का टैक्सेबिलिटी, ATC मिल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मिले तो यहाँ पे नॉन टैक्सेबल, यहाँ पे अप टू 9.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉन टैक्सेबल, यहाँ पे भी नॉन टैक्सेबल और यहाँ पे भी नॉन टैक्सेबल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से बस एक ही लाइन दे दिया, इंटरेस्ट ऑन PPF तुम ध्यान रखना नॉन टैक्सेबल। लमसम मिले, जब आप रिटायर करेंगे लमसम मिलेगा तो यहाँ पे नॉन टैक्स, यहाँ पे जनरली नॉन टैक्सेबल, जनरली नॉन टैक्सेबल। URPF में देखो अभी तक नॉन टैक्सेबल कर रहे थे तो ऑब्वियसली यहाँ पे टैक्सेबल करेंगे, कैसे टैक्सेबल होगा ये 2 मिनट बाद में बात करते हैं। PPF नॉन टैक्सेबल, मेरा पैसा मेरे पास नॉन टैक्सेबल, तो PPF तो भैया कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, PPF में बस ATC का डिडक्शन मिलेगा, बात बात ये PPF कुछ भी टैक्सेबल नहीं है, इसलिए PPF बहुत पॉपुलर इन्वेस्टमेंट है। यहां पे बात करते हैं URPF से लमसम मिलेगा तो क्या होगा, URPF से लमसम मिलेगा तो क्या होगा, ये देखिए एम्प्लॉयर का जितना कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट इज टैक्सेबल एज सैलरी, फुल्ली टैक्सेबल। एम्प्लॉय का जितना कॉन्ट्रीब्यूशन है वो तो मेरा पैसा मेरा ही है, नॉन टैक्सेबल। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है तो भैया फुल्ली टैक्सेबल एज सैलरी, और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन है तो वो तो मेरा पैसा है, उस पर इंटरेस्ट आया IFOS, क्लियर। और यदि आपको लम सम फ्रॉम RPF मिल रहा है, भाई स्पीड ठीक है तो, और यदि लम सम फ्रॉम RPF मिल रहा है ना तो बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ये TDS में भी हिट करेगा, TDS चैप्टर में भी तुमने सेक्शन पढ़ा 192A, वो भी तो यही है, यही सब तो गबंड हो रहा है, ठीक है। जो बोलता है ना 50,000 से ऊपर मिला तो 10% TDS काटेंगे, 192A वहां पे है। हाँ, लमसम फ्रॉम RPF मिलता है तो यदि आपने 5 साल कंटिन्यूअस ईयर ऑफ काम कर लिया,
कंटिन्यूअस ईयर ऑफ सर्विस, तो भैया ये हो जाएगा नॉन टैक्स। 5 साल के पहले छोड़ दिया, लेकिन छोड़ा किस लिए? भैया हम बीमार पड़ गए थे, भैया हम मर न गए थे, भैया हमने कंपनी छोड़ दी थी, कंपनी ड्रॉप्ड, कंपनी क्लोज हो गई थी, इन सब रीजन के कारण यदि आपने छोड़ा है तो नॉन टैक्स। और किसी रीजन से छोड़ा है तो टैक्सेबल एज यूआरपीएफ, यूआरपीएफ। और वहां पे टैक्सेबल अमाउंट 50,000 से ऊपर हो जाए तो 10% टीडीएस लग जाता है, ठीक है। ये लमसम फ्रॉम आरपीएफ और यूआरपीएफ की बात हुई। 5 साल कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में यदि आपने पहले ए लिमिटेड में काम किया, वहां पे आपने 2 साल काम किया, फिर उसको छोड़ते आप बी लिमिटेड ज्वाइन कर लिए, वहां पे आपने 2 साल काम किया, फिर उसको छोड़ते आप सी लिमिटेड ज्वाइन कर लिए, वहां पे आप 2 साल काम किए, तो सिंस आप एक कंपनी छोड़ के दूसरी पकड़ते गए और यहां का पीएफ का पैसा यहां डाल दिए, यहां का पीएफ का पैसा यहां डाल दिए, तो फिर ये कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ कंटिन्यूअस ईयर ऑफ सर्विस माना जाएगा। इसको नहीं बोला जाएगा कि भैया ये तो 2 साल में जॉब छोड़ा, इसको टैक्स कर दो, ना ना, ये कंटिन्यूअस ईयर ऑफ सर्विस माना जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब एक बार आते हैं डिडक्शंस में, फिर एक छोटी सी बात और करनी है। डिडक्शंस में स्टैंडर्ड डिडक्शंस आप सबको पता है, 50,000 तक मिलेगा ही मिलेगा, और प्रोफेशनल टैक्स आप सबको पता है, यदि एम्प्लॉयर पे करता है आपका प्रोफेशनल टैक्स तो पहले परक्विजिट में ऐड होगा और फिर डिडक्शंस में लेस हो जाएगा। यदि एम्प्लॉय खुद अपना पे करता है तो ऑब्वियसली परक्विजिट में क्यों ऐड होगा, डिडक्शंस में लेस हो जाएगा। लेकिन यदि ये आउटस्टैंडिंग है, आपने पे ही नहीं किया, तो फिर लेस नहीं होगा, इट मस्ट बी पेड, पेड करेंगे तभी लेस होगा, ठीक है। एंटरटेनमेंट अलाउंस आपको पहले ही बता चुका हूं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिनिमम ऑफ दी 3 का डिडक्शंस मिलता है, 5,000 एक्चुअल अलाउंस और 20% ऑफ बेसिक सैलरी, इतना आपको डिडक्शंस मिलता है। हायर्ड आरएफए में 1 सितंबर के पहले 15% ऑफ सैलरी और 1 सितंबर से 10% ऑफ सैलरी, आफ्टर अमेंडमेंट 10% ऑफ सैलरी। यहां तक हुआ क्या? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो, उसके बाद मैं चलूंगा पीएफ में 7.5% वाली बात, 7.5 लाख वाली बात पे। किसी के मन में कोई डाउट आ रहा है तो पूछो फटाफट, 1.5 घंटे में फिनिश किया बॉस, 9 मिनट लेट आया तो क्या हुआ, 1.5-2 घंटे में फिनिश किया, ओके। किसी को कुछ भी दोबारा बुलवाना है तो बुलवा लो भाई, ओके ओके। अगला रीकैप क्या इतना ही फास्ट चाहोगे, क्योंकि अगला रीकैप हो सकता है डिडक्शंस का हो सकता है अगला रीकैप टीडीएस का हो, होप नहीं इन दोनों में से किसी का कराऊंगा। डिडक्शंस टीडीएस आर मच मच वाइटल टॉपिक देन एनी अदर टॉपिक, पीजीबीपी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये। तो बोलो अगले रीकैप भी इसी स्पीड से या स्पीड कंट्रोल करे, देख भाई 2 घंटे में यदि रिकैप करना है ना तो ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो आज 2 घंटे के बिना सैलरी कैसे घुसता, अभी बाकी है सैलरी, ठीक है। तुम्हारे लाइफ का वोट ले लेता हूं, एकदम परफेक्ट गया यार, जितना सोचे थोड़ा धीरे छूटा क्यों बोल रहे थे, मैं तो चेहरा इतना तो जाए नहीं, इतना सैलरी चैप्टर पूरा तेरे ग्रिप में रहेगा जरूरी नहीं है ना दादा, ठीक है चलो छूटा ही सही। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग डिडक्शंस रख ले या टीडीएस, सेम स्पीड सर, चलो डायमंड्स आने बोल दिया तो बहुत ही बड़ी बात हो गई, ओके है ओझा ने भी बोल दिया, ठीक है ओके। तो हम लोग बात क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास क्या बताया आपने, डिडक्शंस, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग डिडक्शंस लेंगे। आप लोग घर में इसको पढ़ के आना, ये स्पीड बहुत गंदी है, यदि कोई बच्चा इससे भरोसे रिवाइज करने बैठा है, और ये स्पीड बहुत शानदार है, यदि कोई बच्चे को सब आता है बस उसको एक सपोर्ट चाहिए, तो ये स्पीड बहुत अच्छा था, एग्जाम के दिन तो इसी स्पीड से पढ़ना पड़ेगा शायद इससे ज्यादा। पीएफ में 1.75 लाख वाला पॉइंट और आ गया, वैसे तो पीएफ में बोला गया था 12% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्टेड है,
लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने अपने आप को बैक कर लिया, बोला 12% ऑफ सैलरी तक एग्जम्प्टेड है, सेट ठीक था, लेकिन ये प्रोविजन इस प्रोविजन को सुपरसीड करेगा। अब ये नया प्रोविजन बोल रहा है कि यदि एम्प्लॉयर ने आपके पीएफ में, आपके सुपरएनुएशन फंड में और आपके एनपीएस में मिला के यदि 7.5 लाख से तक कंट्रीब्यूशन दिया है तो ठीक है, 7.5 लाख से ऊपर का कंट्रीब्यूशन दिया है तो जितना एसेट्स कंट्रीब्यूशन दिया है वो तो टैक्सेबल करेंगे ही करेंगे, ठीक है। ओके, इससे रिगार्ड में पहले ये देख लो, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ एच पर सेक्शन 10(12) अप टू 12% ऑफ सैलरी इज एग्जम्प्टेड। ये बात अभी मैं पढ़ा चुका हूं, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम फुल्ली टैक्सेबल एज परक्विजिट, ये बात आपको पता है। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एसपीएफ एसएएफ सुपरएनुएशन फंड अप टू 1.5 लाख, चेक कर लेना अपनी कॉपी में, यदि गलत है तो सही कर लेना, अप टू 1.5 लाख एग्जम्प्टेड है। ये बातें अपनी जगह है। अब इन तीनों के ऊपर हम एक नई बात बोलने जा रहे हैं, हम बोलना चाह रहे हैं कि एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ सुपरनेशन फंड और एनपीएस इससे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन कर देते, इससे 7.5 लाख से ज्यादा तो एक्सेस अमाउंट फुल्ली टैक्स, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से समझिए आप, सपोज एम्प्लॉयर, सपोज आपकी सैलरी है 10 लाख रुपए और एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया है आरपीएफ में 4 लाख रुपए, तो आपके 4 लाख 7.5 लाख के मच अंडर है, लेकिन कोई मतलब नहीं है, 4 लाख में से 12% ऑफ सैलरी एग्जम्प्टेड है और रेस्ट 2.8 लाख टैक्सेबल है। अरे आप तो बोले थे 7.5 लाख, गलत बात है, 12% ऑफ सैलरी से ऊपर हुआ तो टैक्सेबल होगा ही होगा, यह बात क्लियर, पहली बात। दूसरी बात, आप हो एच, आपकी बेसिक सैलरी, आप बहुत पैसे वाले एम्प्लॉई हो 1 करोड़ रुपए और आपके एम्प्लॉयर ने आपके कंट्रीब्यूशन दिया है 10%, तो हम लोग बोलेंगे 10 लाख रुपया कंट्रीब्यूशन दे दिया, हाँ 7.5 लाख से ऊपर दे दिया, 2.5 लाख रुपए टैक्स। आप बोलेंगे अरे 12% ऑफ सैलरी का अंदर ही है ना, अरे उसको भूल जाओ, 7.5 लाख के बाद तो टैक्स मिली, मतलब एग्जम्प्टेड होगा 12% ऑफ सैलरी बट मैक्सिमम अप टू 7.5 लाख, और वहां पे हम लोग पीएफ में ऐसे नहीं लिखा सकते, क्यों, क्योंकि उसमें फिर एनपीएस भी है, एसएएफ भी है, तो भैया ऐसे ही समझो इसको, उपाय नहीं है। तीसरा, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन दिया एनपीएस में 1 लाख रुपए और आपकी बेसिक सैलरी है 10 लाख रुपए, तो आंसर इज 8 लाख फुल्ली टैक्स एज पर कुछ, अरे आप तो बोले थे 7.5 लाख, एनपीएस में कंट्रीब्यूशन फुल्ली टैक्स, यहां पे बताया हुआ है एनपीएस में कंट्रीब्यूशन फुल्ली टैक्स, यानी ये जो प्रोविजन है ना, ये एक हाई पेड एम्प्लॉई को भी और कवर करने के लिए है, लो पेड एम्प्लॉय तो यहीं से कवर्ड होता है, ये हाई पेड एम्प्लॉय को और कवर करने के लिए डाला गया, बात क्लियर। आगे बढ़ते, अब सपोज आपके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन दिया है आरपीएफ में 12 लाख रुपए विच इज 6% ऑफ सैलरी, तो हम लोग बोलेंगे भाई साहब सब ठीक है, सब ठीक है, और एम्प्लॉयर इस पे इंटरेस्ट देता है एट द रेट 8%। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो भैया जी फर्स्ट ईयर आपका 12 लाख में से 7.5 लाख रुपया एग्जम्प्ट हो जाएगा और बाद ही 4.5 लाख रुपया टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्स सर तो हमें पता ही था, बट इंटरेस्ट का क्या होगा ये देखो, हाँ अरे रुक जा यार, 4.5 लाख रुपया पे इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा, अरे आप तो बोले थे 9.5% तक एग्जम्प्टेड उसके बाद टैक्सेबल होगा,
इस एक्सेस अमाउंट पे, इस एक्सेस अमाउंट पे वो 9.5% वाला कोई छूट नहीं है। यहाँ पे जितना इंटरेस्ट मिलेगा सब टैक्सेबल। लेकिन 4.5 लाख रुपया बॉस ने साल के शुरुआत में डाल दिए थे क्या? ये तो ग्रेजुअली हर महीने हर महीने हर महीने हर महीने आ रहा था, मतलब ये 4.5 लाख थ्रू आउट द ईयर आ रहा था। यस, तो इसको एवरेज कर दो, इतना आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। 4.5 लाख डिवाइड बाई 2 × 8% यानी 18,000 रुपया आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएंगे। हाँ, ये फर्स्ट ईयर की कहानी है। सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर भी बॉस ने सपोज 12 लाख ही दिए, तो 7.5 लाख रुपये एग्जेम्प्टेड है, 4.5 लाख रुपये टैक्सेबल हो गए। ठीक है, अब वो पिछला वाला 4.5 लाख इसको पर पूरा इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा, क्योंकि वो तो पिछले साल का एक्स्ट्रा था। अरे लास्ट ईयर वाला, ये वाला 4.5 लाख, ये वाला 4.5 लाख तो लास्ट ईयर एक्सेस आ जाता, तो इस साल तो साल फंड में शुरू से पड़ा हुआ है, इसको पर पूरा। और ये जो नया 4.5 लाख आया ना, ये वाला, इसको पर फिर से हाफ ईयर, हाफ मतलब हाफ करके उसको करेंगे, इतना आपका इंटरेस्ट टैक्सेबल। एंड दिस विल गो ऑन गो ऑन गो ऑन। अगले साल 9 लाख पे 8%, और फिर जो नया कॉन्ट्रीब्यूशन है 4.5 लाख पे उसका हाफ। ये किसकी बात हो रही है? एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। अब अपने बात करें एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन क्लियर? सर ये पार्ट जो आप अब बताइएगा, ये सबसे डिफिकल्ट टॉपिक लग रहा है पूरे सैलरी चैप्टर में। मीनू जी ऐसा आपको लग रहा है? अभी मेरे को लग रहा है कि किसी को भी टफ नहीं लग रहा होगा, नथिंग टफ, बस ठीक है। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन वैसे तो टैक्सेबल हो ही नहीं सकता, ये तो मेरा पैसा है, मेरा पैसा कैसे टैक्सेबल होगा? तो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन नॉन टैक्सेबल। लेकिन यदि एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ज्यादा है तो उसका इंटरेस्ट विल बी टैक्स इररेस्पेक्टिव ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब सपोज एम्प्लॉय ने पीएफ में कॉन्ट्रीब्यूशन किया है 3 लाख रुपए और इंटरेस्ट पीएफ देता है एट द रेट सपोज 7%, तो हम लोग बोलेंगे ठीक है 2.5 लाख तक तो कोई बात नहीं है, 50,000 रुपया जो एक्सेस दिया ना उसको पर 7% इस साल इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। 50,000 टैक्सेबल होगा क्या? नहीं, 50,000 क्यों टैक्सेबल होगा? सिर्फ उसका इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा, और सिंस फर्स्ट ईयर है तो भाई 50,000 साल के शुरुआत में थोड़ी डाला था, वो तो ग्रेजुअली डाला था। सेकेंड ईयर में ये 50,000 जो लास्ट ईयर का आया हुआ है ये तो फुल्ली टैक्सेबल, प्लस नया जो कॉन्ट्रीब्यूशन डाला है उसका। आई होप यहां तक क्लियर। ये सब आप ध्यान रखना भैया। सैलरी चैप्टर भैया मुझे लगता है हमने 2 घंटे के अंदर ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया है। तुम्हारी यूट्यूब भी यही बता रही है 2 घंटे में हमने कर लिया। मैं क्लास स्टार्ट किया था 5 मिनट पहले, हमने पूरा फिनिश कर लिया। अभी भी मेरे हाथ में 5 मिनट है, तो डाउट्स आउट है तो बता दो, वो बाकी है सैलरी का। एक ट्रांसफर बैलेंस कॉन्सेप्ट रह गया, वो भी दे दो आप। सैलरी में हेडर कई बार स्किप हो जाते हैं, नहीं फिर भी तू ध्यान दे, मैंने बिना किताब खोले ऑलमोस्ट सारी चीज कवर अप कर ली है। अब एक कॉन्सेप्ट रह गया ट्रांसफर बैलेंस, वो भी दे दो आप। व्हाट इज इट? यदि आप अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड से रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफर हो रहे हो, जो कि होता है, बहुत होता है, तो लॉ बोलता है कि पहले तो हम इसको नॉन टैक्सेबल किए जा रहे थे, देख लो। अरे देख लो, यूआरपीएफ में जब भी कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है नॉन टैक्सेबल। हम लोग सोचे थे जब लमसम में रिटायर करेगा तब इच्छा काटेंगे,
लेकिन वो लमसम के पहले ही ये URPF से RPF में हो गया, तो स्लिप हो गया टैक्स। तो लॉ बोलता है ऐसे स्लिप थोड़ी होने देंगे। अब एक काम करो, जब ये ट्रांसफर हो रहा है तो ऐसे सोचो कि यदि ये शुरू से RPF होता तो कितना टैक्सेबल होता, अब उस उतने अमाउंट को अभी टैक्स कर दो। यदि ये शुरू से RPF होता तो कितना अमाउंट टैक्स हुआ होता उतने को अभी टैक्स कर दो। द अमाउंट व्हाट कुड हैव बीन टैक्सेबल बट स्लिप टैक्स, नाउ इट विल बी टैक्सेबल। एग्जाम्पल से समझ में आ सकता, कैसे समझ में आ सकता। सपोज आप एक कंपनी ज्वाइन की हो, एट्स ज्वाइंट ए लिमिटेड फॉर अ पे स्केल 20,000, 10,000, 60,000 एज ऑन 1/4/22। ही कॉन्ट्रीब्यूट्स, ही एंड हिज एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू PF 15% ऑफ सैलरी, इंटरेस्ट रेट 8% पर एनम। उसके बाद दिया हुआ है पीएफ गॉट रिकॉग्निशन ऑन 1/7/24। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड ट्रांसफर्ड बैलेंस, कितना बैलेंस टैक्सेबल होगा। हम बोला बता देते हैं, एक मिनट का काम है। तब ज्वाइन किए थे कंपनी, ये बताओ 1/4/22 तो 22/23 की बात है, 23/24 की बात है, और कब रिकॉग्निशन मिला 1/7/24 को। तो यहां पे 12 महीने की बात है जब वो अनरिकॉग्नाइज था, यहां पे 12 महीने की बात है जब वो अनरिकॉग्नाइज था, यहां पे 3 महीने की बात है जब वो अनरिकॉग्नाइज था, उसके बाद तो रिकॉग्नाइज ही हो गया। तो सब मिला के ये 27 महीने का फंड ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। इस समय आपकी सैलरी कितनी थी? 20,000 पर मंथ यानी 2,40,000, यहाँ पे 30,000 पर मंथ यानी 3,60,000, यहाँ पे 40,000 पर मंथ यानी 1,20,000। इसमें एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना कर रहा था? 15%। एग्जेम्प्ट होता, यदि ये पीएफ आरपीएफ होता तो एग्जेम्प्ट होता 12%, यानी 3% टैक्सेबल होता, लेकिन वो छूट गया। तो अब कर दो यार, यार माता पची है, 3% ऑफ चाहे 3% ऑफ लो, खत्म यार, ट्रांसफर बैलेंस खत्म। 10/7/17/18/23/21/600 जितना टैक्स छूट गया था भाई, आरपीएफ होता तो तुम क्या कर लेता, क्या ऐसा काम कर लेता, सर हम 12% रोप पर टैक्स कर देता। तो अब कर ले, 15% कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, 3% अब टैक्स लेते, ठीक है। डिसीजन हो गया यार, कल अपने कर रहे हैं डिडक्शंस, और रामनवमी के शुभ दिन के दिन अपने करेंगे क्या? TDS, ठीक है ना, शुभ दिन की इज्जत कर यार, क्या कल TDS करा दीजिए, तो बात हुआ क्या? अब बच्चा अपने पास हाफ एन आवर है, तुम बोलो तो ऑप्शन वन सर छोड़ दीजिए प्लीज, आपका भी सर दर्द कर रहा है, आप तो भी हम उसी बनाना घर जा रहे, और दूसरा ऑप्शन है बड़ा सम करा दीजिए। बेचारे ऑनलाइन वालों से भी पूछो, उनको भूत लगी है। क्या करना बताओ, छोड़ दे? अरे यार कोई तो बोलो यार, सबके सब ये बोले, बोलेंगे तो फंस जाएंगे। बोलता ऑप्शन वन छोड़ दीजिए। आओ बोल, हनी क्या बोलता है, तुम जो बोले फाइनल छोड़ दे। तो हनी ने बोला एक बड़ा सम करा दे, छोड़ दीजिए, ठीक है हनी, छोटा सा सम लेता है, तेरी बात की इज्जत रख लेता हूँ, ठीक है। बड़े सम तो हमने छोटे सम में तब्दील कर दिया। आपको दिया हुआ है एच सैलरी 10,000, 40,000, 20,000, 60,70, 80,000, 30,000 और 1/7।
डीए दिया हुआ है 40% ऑफ सैलरी, साथ में हुई तुम लोग, उसके बाद दिया हुआ है आरएफए एट पटना, ठीक है, फिर दिया हुआ है रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, पेड बाय एम्प्लॉयर एट द रेट 30,000 पर मंथ, ठीक है। आरएफए अलॉटेड ऑन 1/7 ऑफ द प्रीवियस ईयर, 1/7/23। उसके बाद दे दिया क्या, गार्डनर फैसिलिटी 10,000 पर मंथ, उसके बाद दे दिया लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर 8,000 पर मंथ, 8,000 पर एनम, और उसके बाद दे दिया मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर 20,000 पर एनम। उसके बाद कुछ खास नहीं, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ 10% ऑफ सैलरी, सेम अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉय, सेम अमाउंट बाय एम्प्लॉय, साथ में हो, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस 10% ऑफ सैलरी, सेम अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉय, ठीक है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 1,000 पर मंथ, एक्चुअल एक्सपेंडिचर 8,000 पर मंथ ऑन 3 चिल्ड्रन। हाँ, फाइंड टैक्स लायबिलिटी, ऑप्शन 1/115 बीएसई, ऑप्शन 2 ओल्ड रिजीम, ठीक है। एक लाइन और ऐड कर देता हूं तुम्हारी खुशी के लिए, कन्वेंस अलावेंस ₹10,000 पर मंथ, एक्चुअल एक्सपेंडिचर फॉर ऑफिस ₹7,000 पर मंथ। एक लाइन और ऐड कर देता हूं तुम्हारी खुशी के लिए, लीव ट्रेवल कंसेशन 40,000, एक्चुअल एक्सपेंडिचर 30,000। एक नॉर्मल सा सम है, लेकिन टैक्स लायबिलिटी के कारण ये सम का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो गया। सम इतने में छोटा है, ये बस सम का डेटा क्लियर है, सम का डेटा क्लियर है, पिक लेना चाहते ले लो। सर हम कुछ नहीं चाहते, हम बस छुट्टी चाहते हैं, छुट्टी छुट्टी छुट्टी। आगे बढ़े, ये सबसे बेसिक वाइटल है, जहां में जब भी सम आएगा 115 बीएसई डिडक्शंस पंच करके आएगा, यही हमने इस सब में सब डाला है, सब पंच किया हुआ है इसमें, डिडक्शंस 115 बीएसई सब पंच है भाई। जल्दी हो गया, धुंधला आ रहा है बात। कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी, सब में नहीं दिया हुआ डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1/7/21, ठीक है, साथ में हो तो आप सैलरी बता सकते हो भी ऐसे ही हाथों हाथ, 1/7/21 तो 40,000, 1/7/22 तो 60,000, और 1/7/23 को 80,000, तो वी आर बेसिक 80,000 इंटू 3 प्लस 80 के बाद कितना सैलरी, नहीं 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 1/7/23 से 80,000 हुआ है, 1/7/23 से 80,000 हुआ है भाई मेरे, यानी 1/7/23 से पहले कितना था, 60,000 इंटू 3 और 80,000 इंटू 9, सब साथ में हो गया, ये बात चेक कर लो प्लीज, 9,00,000 रुपया। डियरनेस अलावेंस 40% ऑफ सैलरी, कुछ नहीं दिया हुआ तो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट मैं मानता हूँ। डियरनेस अलावेंस के बाद वी डिड दिस, वी डिड दिस, उसके बाद कन्वेंस अलावेंस 10,000 पर मंथ और 7,000 खर्चा है, तो कन्वेंस अलावेंस 10,000 पर मंथ,
7,000 खर्चा है तो 36,000 रुपया टैक्सेबल। उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस 1,000 पर मंथ, 1,000 रुपये से कुछ नहीं होगा, हम तो 200 रुपये माइनस करेंगे इंटू 12, 9,600। ऑब्वियसली हम लोग ओल्ड रिज्यूम कर रहे हैं, है ना। और कोई अलावेंस नजर आ रहा है? नहीं। आ जाओ पर विजिट में, आरएफए तुम बताओ दे कि मैं बताऊं कितना टैक्सेबल। आरएफए अलॉटेड ऑन 1/7/23 तो सितंबर, सॉरी जुलाई तो दिया, तो जुलाई और 10 ये दो महीने के लिए 15%, तो जुलाई और 10 दो महीने के लिए 15% और सितंबर टू मार्च 10%, कितना 15% ऑफ सैलरी। सैलरी बताओ देखते हो फटाफट, तुम्हारे सामने डेटा है। बताओ बताओ फटाफट, आई एम वेटिंग। हाँ कितना है यहाँ पे? हाँ इसने बोला पढ़ खर्चा इधर ना लायक 231,600। कैसे बहुत लड़के भी तुम सब, कौन सा तेरा राइट आ जाएगा? आपने कंपनी ज्वाइन किया एक, आपने आपका आपको आरएफए मिला 1 जुलाई से, और 1 जुलाई से आपकी सैलरी हो गई ये वाली। तो यहां पे मैंने क्या किया, हमने निकाला यहां पे 80,000 इंटू दो महीना, क्योंकि दो महीने की सैलरी निकाल दी है। इसमें डीए ऐसे ऐड किया, डीए ऐड किया, फिर ये कन्वेंस था 6,000 ऐड किया, और फिर इसमें चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस था 1,600 रुपया ऐड किया, तब मेरा आया 231,600। समझ? आपकी सैलरी हम लोग निकाल रहे जुलाई अगस्त की, आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 8/7/21, 8/7/21 तो आपकी सैलरी थी 40, 8/7/22 तो आपकी सैलरी हो गई 60, 8/7/23 से आपकी सैलरी 80। तो यहाँ पे आप जुलाई अगस्त से निकाल रहे हो, यू शुड नॉट बॉदर अबाउट दिस, यू शुड बॉदर अबाउट दिस ओनली 80,000 × 2। क्यों? क्योंकि जुलाई अगस्त से निकाल रहे, डी ए करने के लिए 40% ऐड करना था, मैंने 1.4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 3,000 रुपया पर मंथ टैक्सेबल है तो मैंने 6,000 कर दिया दो महीने के लिए, ये 800 रुपया पर मंथ टैक्सेबल है, मैंने दो महीने के लिए 1,600 रुपया कर दिया। जब यहाँ पे कैलकुलेशन करूंगा तो लेगा 80,000 इंटू 7 महीना इंटू 1.4 इंटू 3,000 इंटू 7 इंटू 800 इंटू 7 560,000 इंटू 1.4 इन प्लस 21 प्लस 5.6 7,84,000। 560,000 प्लस इंटू 1.4 इंटू प्लस 26,600 810,600। ठीक है, कर लिया था क्या? आ गया 34,740। और यह आ गया 81,060। पिक्चर अभी बात ही है मेरे दोस्त, यदि आपको लगता है अरे यार ये तो बड़ा टफ था, तो अभी तो शुरुआत हुई है, सब बहुत अच्छा है। ठीक है, इसमें खाली मैथमेटिक्स तुम उलझ दे, तुम ये ध्यान तुम इसमें निकाल देते इंटू 2/12 है, गलत हो जाता, पे स्केल के साथ पंच चाहिए सब। आरएफए हो गया, कन्वेंस अलाउंस हो गया, गार्डनर फैसिलिटी बताओ टैक्सेबल की एग्जेम्प्टेड? टैक्सेबल 10,000 इंटू 12, क्योंकि गार्डनर तो लिए नहीं बोला तब से दिया, तो ये मान लेंगे पूरा दिया हुआ है। एल आई पी क्या था? एग्जेम्प्टेड की टैक्सेबल? एल आई पी टैक्सेबल
MIP क्या करना है? एग्जेम्प्टेड, हटाओ. एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू NPS 10% ऑफ सैलरी. कॉन्ट्रीब्यूशन टू NPS 10% ऑफ सैलरी. सैलरी मतलब बेसिक प्लस DA. तो 12,60,000, 12,60,000 है 10%, 1,26,000. साथ में हो? लीव ट्रेवल कंसेशन 40,000 मिल रहा है, एक्चुअल खर्चा 30,000 है, तो लीव ट्रेवल कंसेशन 10,000. ठीक है, ओल्ड रिज्यूम है तो ये डिडक्शन देना हमें 30,000 का. अब आ गया पीएफ, परपोजिट के बाद आ गया पीएफ. एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू RPF 12% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट है, आप 10% ऑफ दे रहे हो तो एग्जेम्प्टेड है. ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी, पिक्चर अभी बात ये मेरे दोस्त राज्य में तो सैलरी होने के बाद. ये भाई थोड़ा कैलकुलेशन करो ना, 12,60,000, 36,000, 9,600, 34,740, 81,060, 1,28,000, 1,30,000, 16,79,400. क्यों, एजेंट कंफर्म कर रहे थे ऑनलाइन से? स्टैंडर्ड डिडक्शंस 50,000 और कुछ है नहीं. 16,29,400. पिक्चर अभी बात ये मेरे दोस्त, लिटरली पिक्चर शुरू हो रहा है. यही आपका GTI है. ATC कोई डिडक्शंस मिलेगा क्या? चेक करो. कोई बात नहीं, मैं बोल टाइम का मैं बोलते जाता हूँ. हाँ, LIC का जितना प्रीमियम दिया है वो यहाँ पे डिडक्शंस मिलेगा. एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्यूशन टू RPF कितना कॉन्ट्रीब्यूशन? सिमिलर अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई एम्प्लॉई. तो कितना कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हो? 10% ऑफ सैलरी. तो सैलरी तो यहाँ पे 12,60,000, तो उसका 10%, 1,26,000 का डिडक्शन मिल गया. ठीक है, क्या इंटरेस्ट हो जा? एजुकेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन एक्सपेंडिचर आप देखो यहाँ पे दिया हुआ है. बच्चे की पढ़ाई पे खर्चा हो रहा है 8,000 रुपया पर मंथ, यानी साल का 96,000. लेकिन ये 3 बच्चों पे हो रहा है, डिडक्शंस मिलेगा 2 बच्चों का. तो 96 / 3 × 2 यहाँ पे आ गया 64,000. और भी हो सकता है, परंतु वर्थलेस टू कैलकुलेट, क्योंकि 1,50,000 से ज्यादा तो डिडक्शंस मिले रहे नहीं. हाँ, ATCCD 1 भी गायब हो गया. NPS एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, सॉरी एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू NPS, क्योंकि वो 1,50,000 में कवर हो गया, लेकिन उसमें 50,000 और मिलता है. हाँ, 50,000 से ऊपर का कॉन्ट्रीब्यूशन यहां पे जुड़ता है. ATCCD 1 में 50,000 तक मिलता है एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन. एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन ATCCD 2 वो अलग से मिलेगा. कितना? जितना मिला उतना, 1,20,000, 1,20,000. तो ये एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, ये NPS और ये एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, ये माइनस करके आ गया 3,20,000. हाँ, 1,50,000, 2,00,000, 3,20,000, 3,20,000 ना, 3,00,000 क्यों बोल रहा है? 1,50,000, 1,20,000, तो 16,29,400 माइनस 3,20,000, ये मिल गया 13,09,400. ए बस हम देख लूँ, कुछ स्किप तो नहीं हुआ? DA, RFA, RFA, GF, LIP, MIP, PF, NPS, Children, LIC, LTC, ठीक है, सब हो गया. टैक्स लाइबिलिटी 10,00,000 पे नील, सॉरी 10,00,000 पे 1,500 और 3,09,400 पे 30%, या दिया 2,05,320 प्लस सेस 2,13,530.
हाँ तुम समझो, ये सम करने में मेरे को इस स्पीड में विदाउट वर्किंग नोट विदाउट एनीथिंग भी मेरे को 7-8 मिनट लग रहा है, और तुम आराम से होती है तो सर ये तो ऐसे कर ही रही है, तो तुम्हें भी ऐसे ही करना पड़ेगा दोस्त, ऐसे ही करना पड़ेगा। मैं इस सम को कंप्लीट करने में करीबन 12 मिनट ले रहा हूँ, तुम कितना ले रहे हो एग्जाम हॉल में? यदि मुझे भी नोट्स वोट्स लिखना पड़े तो मेरा भी 20 मिनट लग जाएगा, तो फिर तुम कितना ले लेगा? यानी बहुत ज़्यादा गैप नहीं रख सकता तुम मेरी स्पीड अपनी स्पीड में, ठीक है? तो वो ऑडियो बनाओ और फटाफट बनाओ। आओ यहाँ पे आते, यदि आपने न्यू रिज्यूम ले लिया है तो न्यू रिज्यूम में क्या चेंज आ जाएगा? बेसिक में तो कोई चेंज आएगा नहीं, डीए में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, कन्वेंस अलावेंस का डिडक्शन तो मिलता ही है न्यू रिज्यूम में भी, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस हो जाएगा फुल्ली टैक्सेबल, ये हो जाएगा फुल्ली टैक्सेबल। आरएफए में तो कोई चेंज आएगा नहीं, 34,740 और 81,060, जीएफ में तो कोई चेंज आएगा नहीं, फुल्ली टैक्सेबल, एलआईपी फुल्ली टैक्सेबल, परपेचुइटी में तो चेंज ही नहीं है, एम्प्लॉयर कोई चेंज नहीं है, सब एज यूजल। लीव ट्रेवल कंसेशन में बस पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, आरपीएफ में कोई चेंज नहीं है। तो क्या चेंज आया? 30,000 ये बढ़ गया, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ गया, 30,000 ये बढ़ गया, 2,400 ये बढ़ गया, तो 32,400 बढ़ा दे, तो 17,11,800, यहाँ तक साथ में हो क्या? खाली दो ही तो चेंज हुआ बॉस, खाली ये 2,400 और खाली ये 30,000, तो मैंने 32,400 इसमें बढ़ा दिया। स्टैंडर्ड डिडक्शन तो दो गई न्यू रिज्यूम में भी, तो याद या 17,11,800 में से 800 में से 50,000, अरे मुंद्रा जी 16,61,800, एटीसी तो मिलेगा नहीं लड्डू, ATCC D1 भी मिलेगा नहीं लड्डू, ATCC D2 मिलेगा 1,20,000, 15,41,800 टैक्स निकालो, तो 15 लाख पे 1,50,000, 41,800 पे 30%, 1,50,000 प्लस दैट 162,540 इंटू 1.03, 1.04, देख भाई तुझ गड़बड़ कर दिया, बहुत डिफरेंस आ गया, 169,040, यू शुड गो फॉर दी न्यू रिजिम, यू शुड गो फॉर द न्यू रिज्यूम 169,040, पूरा डिडक्शन 1.5 लाख का गैप हो गया। हाँ फिर भी देखो ये बोल रहा है कि न्यू रिज्यूम ही बेटर है, हाँ वो है न्यू रिज्यूम बेटर है दादा, ओल्ड रिज्यूम न्यू रिज्यूम का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखना, और मल्टीपल रिविजन करने से ही ऐसा कमांड आता है, मल्टीपल रिविजन करने के बाद भी ये कमांड तभी आएगा जब आप अपने फोकस पे खास करके वर्कआउट करो। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे ये इंक्रीज होता है, बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं ये स्पीड कैसे आए, ये स्पीड का एक ही फंडामेंटल है जो दुनिया के हर टफ एग्जाम वाले बच्चे फॉलो करते हैं, उसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट, कि जब आप एक सम लो ना तो अपने आप की स्पीड बढ़ाइए। तो आप एक सम लिए, आपने उसमें स्टॉप वॉच लगाया अपने मोबाइल पे, स्टॉप वॉच पहले टारगेट दो कि सम को मेरे को एग्जाम में करना है 25 मिनट में, तो यहाँ पे मेरे को 15 मिनट में करना है। एग्जाम अलग है, उसमें बहुत अलग राइटिंग होती है, अलग डेकोरम सम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पे 15 मिनट में करना है। अब वो सम 15 मिनट में ही करो बस, तो स्टॉप वॉच लगाओ, वो पहली बार में 15 मिनट में नहीं आएगा, लेकिन अप्रोच आएगा, अप्रोच आएगा, मेरे को 15 मिनट में करना है करना है करना है, फिर वो बनेगा। सर हमसे तो अभी बन ही नहीं रहा है, तो चलो 3 मिनट वाले सम से ट्राई करते हैं, 3 मिनट वाले सम को एग्जाम में सॉल्व करना, 3 मार्क वाले सम को एग्जाम में सॉल्व करना रहता है 5 मिनट में, 5 मिनट वहां पे वर्किंग अलग होती है, तो यहाँ पे तुमको सॉल्व करना है उसको 2.5 मिनट में इंक्लूडिंग सम रीडिंग टाइम। अब आप 2.5 मिनट का स्टॉप वॉच लगाओ और उसको करो, वो तुमको अपने आप ही फोकस तेज कर देगा। यदि आज हम लोग किसी भी आईपीएल के बॉलर की बॉलिंग खेलने जाएंगे तो हम लोग नहीं खेल पाएंगे, नहीं खेल पाएंगे, तो ये आईपीएल वाली बॉलिंग ही आने वाली है आपके सामने,
नहीं खेल पाएंगे। फिर हम लोग को यदि उस मैच में पार्टिसिपेट करना है या ऐसे ही फ्रेंडली गेम हो रहा है हमारा, आईपीएल के कुछ प्लेयर आएंगे तो जीरो पे थोड़ी आउट हो जाएंगे हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे एक ऐसे जहाँ पे जाएंगे यहाँ पे वो मशीन से बॉल थ्रो होगी, उसको बोलेंगे भाई 140 की स्पीड में लगा, और फिर हम लोग 140 की स्पीड में खेलने का ट्राई करेंगे। शायद 1.5-2 घंटे बाद बॉल हमारे बैट पर आनी शुरू हो जाएगी और श्योर आनी शुरू हो जाएगी, पक्का आनी शुरू हो जाएगी। वो आंख धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगी कि 140 वाली बॉल को कैसे खेला जाता है, वो आंख अभ्यस्त हो जाएगी एंड आफ्टर विल बी एबल टू प्ले समथिंग सम दो चार बार तो वो बैट लगा पाएंगे। तो आपको भी यहाँ पे उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मशीन को बोलना पड़ेगा 140 पे बॉल फेंक, आपको भी बोलना पड़ेगा मशीन 2.5 मिनट में कर, पहली बार में नहीं होता, दूसरी बार में नहीं होता, तीसरा। अच्छा ये चीज़ सिर्फ टैक्स के लिए नहीं है, आज यदि आप अकाउंट्स भी बना रहे हो, कॉस्ट भी बना रहे हो, तो फोकस तो सब में इंक्रीज हो रहा है। इफ़ यू आर वर्किंग डेडिकेटेडली अकाउंट्स तो कहीं ना कहीं वो मेरे को टैक्स में सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि फोकस तो बढ़ ही रहा है, सम रीड करना उसके बाद उसको फटाफट जजमेंट लेना सब में काम कर रहा है। प्रोवाइडेड आप सब में अपनी घड़ी बांधो, टाइटन योरसेल्फ। अच्छा पहले उस टॉपिक से स्टार्ट करो जिसमें आपका कमांड है, आपका सपोज कॉस्टिंग में कमांड है, सपोज तो कॉस्टिंग में अपनी घड़ी बांधो, पहले कॉस्टिंग में स्पीड बढ़ाओ, वो धीरे धीरे टैच में भी काम आएगा, बट इसके अलावा तो उपाय नहीं है। मल्टीपल रिविजन्स के बाद भी नहीं होगा, ये अलग लेवल का फोकस है जो प्रैक्टिस से आता है। हाँ आज से भी यदि टाइम बांधो देना तो एग्जाम हॉल तक खेल लोगे, बॉल खेल जाएगी, मस्ती मारो। बहुत ज्ञान मिल गया आज आपको, बहुत सारे वीडियोस मिल गए, बहुत सारे गाने मिल गए। कल मिलेंगे डिडक्शंस की क्लास के साथ, कल तुम्हें आरएस का गाना भी सुनाऊंगा, और कल तुम्हें सैलरी पे कुछ डाउट हो तो वो पूछ लेना, फिर डिडक्शंस में अपने एंट्री कर लेंगे।